शलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभिशं सापितं येन भूत् स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीचुतापदकमलम् श्रीगुरुन्वैष्णवांश्चीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादि पशतादिशतारिणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि क्रिष्ना गोत्रसे नमः वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्णा करुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेश्य गोपिकान्तराधाकान्तनमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभान सुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये जय चैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्री गौ भक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नानाशास्त्रविचारिकनिपणो सधर्मसंसापकं लोकानाभितकारिनो त्रिभुवने महान्यो शरन्याकरो राधाकृष्णपदारवन्द्रभजना ेन मतालिकयो वन्दे रूपसनातनो रघुजु गो श्री जीव वन्दे रूपतनो रघुजु गो श्री जीवगोपालको हरे कृष्ण तो so, हम भक्ति रचना में से चर्चा कर रहे हैं और विषय है वैधि साधना भक्ति या साधना भक्ति साधना भक्ति के दो विभाजन हैं जो विषय हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था वैधि साधना भक्ति एंड रागानुगा साधना भक्ति और रागुनुगा भक्ति और अब छठे अध्याय से आगे जो भी चर्चा चल रहा है इस साधना भक्ति में प्रगति करने के लिए कुछ या किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए उसके लिए कुछ चौसठ विधि विधानों का वर्णन किया गया है जो शिला रूप गोस्वामी छठे अध्याय में, में मेंशन करते हैं जो उन्होंने शिला सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखित हरिभक्ति हरी भक्ति विलास ग्रंथ से लिया है तो लेट्स डू अ क्विक रिकैप प्रश्न उत्तर के साथ शुरू करते हैं व्यक्ति को भक्ति शुरू करने के लिए या भक्ति कैसे शुरू होती है हाउडजी

संपर्क में आने से नहीं भक्त की कृपा प्राप्त होने से ठीक yes, है तो भक्त की कृपा से भक्ति करने का मौका मिलता है तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला इसको कंठस्थ कर लीजिएगा तो आपको एटलीस्ट कोर फिलॉसफी समझ आ गई है पहला प्रश्न भक्ति कैसे शुरू होती है भक्त की कृपा से दूसरा प्रश्न भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या आवश्यक है ओके प्लीज रेज यू हैंड्स भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या आवश्यक है हाउ टू मेक प्रोग्रेसिंग प्रभु दर इज अभिषेक डिटर्मिनेशन ओके हम भक्ति रसाम सिंधु में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं सचिन प्रभु आपका हाथ पहले देखा मैंने प्लीज गो हैंड

तो तीसरे अध्याय में इस विषय में तीसरा अध्याय इसी के ऊपर पूरा निर्धारित है जहाँ पे शिलारूप गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा और ज्ञान के अनुसार तीन प्रकार के भक्त होते हैं कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी और हमने विस्तार से चर्चा करा था कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम जल्द से जल्द मध्यम अधिकारी की स्थिति में पहुंचे कनिष्ठ अधिकारी की जो स्थिति ओके दिस क्वेश्चन अधिकारी राइट right? कनिष्ठ अधिकारी अधिकारी शब्द का क्या मतलब है भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के सातवें अध्याय के सोलवें श्लोक में कहते हैं चतुर्विधा माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्थो अर्थात ही जिज्ञासु ज्ञानी चा भरता सभा तो भगवान कहते हैं चार प्रकार के सुकृति पाइटी कर्म, पुण्य कर्म जिसने करे हैं जिस व्यक्ति ने पुण्य कर्म करे हैं अगर वो दुखी होता है उसको धन की आशा होती है या मन में कुछ इच्छा होती है जिज्ञासा होती है या जो सत्य को जानता है वो मेरी शरण में आते हैं तो क्या भक्ति हमारे पुण्य कर्मों के ऊपर डिपेंड करती है यस yes उनस no? yes no? क्या भक्ति हमारे पुण्य कर्मों? तो आपको जो भक्ति प्राप्त हुई है वो आपके पुण्य कर्मों के फल के अनुसार प्राप्त हुई है यस सो लेट्स आस्क मेनी मिनिफि से यस मेरे पुण्य कर्म के कारण आज मैं यहां बैठा हूं बोल ओके हाउ हाउम नो नो का कारण बताओ हाथ तो खड़ा कर दिया अब तथ्य दो एविडेंस ऑनलाइन, अभिषेक भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ भक्ति स्वतंत्र है हमने इस पर भी विस्तार से चर्चा करा था भक्ति इज इंडिपेंडेंट जब कहा जाता है इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है भक्ति भक्ति पे ही डिपेंडेंट है समझे ना तो जो भक्ति शुरू करने के लिए कुछ अट्रैक्शन लगती है दूसरे अध्याय में चर्चा की गई थी वो अट्रैक्शन कहां से आती है भक्ति उन्मुख सुकृति पिछले जन्म में कोई अनजाने से भक्ति करी है तो भक्ति के कारण ही भक्ति आई वो भक्ति करने का कारण हमें मिला वैष्णव संघ में दैट्स अ होल कनेक्शन इफ यू अंडरस्टैंड ठीक है तो मेरा प्रश्न था कनिष्ठ अधिकारी की हमने चर्चा करी मध्यम और उत्तम अधिकारी की चर्चा करी तो कनिष्ठ अधिकारी की स्थिति हमेशा ही बड़ी विचलित रहती है कनिष्ठ अधिकारी भक्त के संग के बिना प्रगति कर नहीं सकता और भक्त संग करता है तो अपराध करना छोड़ नहीं सकता राइट कनिष्ठ अधिकारी क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी के लिए आ, अहंकार उसमें बहुत होता है मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं मैं और मेरे भगवान बाकी सब तेल लेने गए लाइक <laughs> दैट like परंतु वो प्रगति कर नहीं सकता भक्तों की कृपा के बिना फिर भी उसको अधिकारी कहा गया है ऐसे व्यक्ति को भी अधिकारी कहा गया है okay, अधिकारी right. शब्द का मतलब क्या है अधिकारी शब्द का मतलब है कि वो शुद्ध भक्ति करने के योग्य है ही इज क्वालिफाइड टू परफॉर्म प्योर डिवोशनल सर्विस पर ये जो चार प्रकार के पुण्य आत्मा बताई गई हैं आर्थो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी उनको अधिकारी नहीं कहा गया है दे आर नॉट कनिष्ठ अधिकारी दे आर जस्ट फोर पायस लिविंग एंटिटीज और प्रभुपा तात्पर्य में बताते हैं मैं इससे चर्चा कर रहा हूं ये समझाने के लिए कनिष्ठ अधिकारी भी बहुत बड़ी स्थिति है ये मैं सोचिए कनिष्ठ अधिकारी कोई सरल सी जगह स्थिति है इनो तुच्छ स्थिति है कनिष्ठ अधिकारी भी स्थिति पे आना मतलब बहुत ऊंची स्थिति है जो पुण्य कर्म करें उसको भी अधिकारी नहीं कहा गया है प्रोपाताते रहताते हैं क्यों यहाँ पे भगवान कृष्ण पुण्य कर्मों के बारे में कहते हैं क्योंकि काफी लोग हैं जो जीवन में दुख पाते हैं वह हर कोई दुखी व्यक्ति भगवान की शरण में थोड़ा आता है क्योंकि उन्होंने कुछ पुण्य कर्म करें इसलिए वो भगवान की शरण में आते हैं पर भगवान की शरण में भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं आए जो कनिष्ठ अधिकारी भी होता है एटलीस्ट इत उसको इतना पता होता है कि भगवान को तो प्रसन्न करना है तभी उसको अधिकारी कहा गया है क्योंकि भक्ति का मतलब क्या अधिकारी फॉर व्हाट अधिकारी फॉर भक्ति कैन वी क्लोज इट अधिकारी का मतलब भक्ति भक्ति अधिकारी और भक्ति का मतलब क्या है भगवान को प्रसन्न करना भगवान की सेवा करना तो मतलब कनिष्ठ अधिकारी को भी इतना पता है कि भगवान की सेवा करनी है भगवान को प्रसन्न करना है दुर्भाग्यपूर्ण उसको भगवान के अलावा कोई और नज़र नहीं आते उसको ना ही धाम की महिमा पता है भक्तों की महिमा पता है ना शास्त्र की महिमा पता है इसलिए उसको कनिष्ठ अधिकारी कहा गया है पर ये जो चार पुण्य आत्माएं हैं इनको अधिकारी क्यों नहीं कहा गया क्योंकि ये अपने हित के लिए भगवान की शरण लेते हैं जैसे ध्रुव महाराज ने शरण ली भगवान की शरण अपने इच्छा की अपनी इच्छा की लाल से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तो इस संदर्भ में वैधि साधना व्यक्ति का चर्चा आता है ओके okay, हम दूसरा पॉइंट बात कर रहे थे प्रगति करने के लिए ज्ञान और श्रद्धा होनी चाहिए ज्ञान कैसे आता है शास्त्र का अध्ययन करके जितना शास्त्र का अध्ययन करेंगे जितना ज्ञान बढ़ेगा ज्ञान से क्या प्राप्त होगी श्रद्धा जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतना ही शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति जीवन व्यतीत करेगा जैसे आज सुबह एक जगह पे मैं चर्चा कर रहा था कि हम लोग जो जीवन में निर्णय लेते हैं ये डिसीजन मेकिंग हमारी हर मूमेंट पे होती है फॉर एग्जाम्पल तीन बज चुके हैं क्लास के लिए आप निकले नहीं हैं तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है ऑनलाइन अटेंड करूं या जाऊं सिंपल थीथिंग यार ऑनलाइन अटेंड करूंगा तो मेरा पाँच मिनट क्लास का मिस होने से बच जाएगा और मैं ट्रैवल करके गया दस पंद्रह मिनट गाड़ी में लगेगा तो हो सकता है वो मिस हो जाए एवरी मोमेंट यू हैव टू मेक ए डिसीजन So my question is, my question is, आप जब जीवन में निर्णय लेते हैं जो भी डिसीजन बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो बेसिस होता है ना देर इज रेफरेंस पॉइंट फॉर एवरीथिंग यस और नो तो जो आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं उसका रेफरेंस पॉइंट क्या शास्त्र के ऊपर निर्धारित है या हमारे भौतिक एक्सपीरियंस के ऊपर निर्धारित है जितना हमारा भौतिक एक्सपीरियंस के ऊपर निर्धारित है उतना ही हम भक्ति करते हुए भी भक्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि भौतिक एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि वो भक्ति के डायरेक्शन में हमें प्रेरणा दे, हम ज़्यादातर गलत ही निर्णय लेंगे तो इसलिए हर भक्तों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है व्यक्ति जीवन में जो भी निर्णय ले बड़े से बड़े छोटे से छोटे उसके लिए उसका एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कभी आप अगर रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते हुए आप जिस भी विषय पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि पहले सो एंड सो ऑथर हैज डन सच रिसर्च वहाँ ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी मैं उसे आगे बढ़ रहा हूँ और फिर आप जो भी रिसर्च के निष्कर्ष पे आते हैं उससे में भी आप अलग अलग प्रकार के रेफरेंसेस देते हैं कि मैंने ये जो मार्ग चुना इस प्रकार से रिसर्च करने का इट वाज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रिसर्च तो रिसर्च भी एक रेफरेंस के ऊपर उसी प्रकार से जीवन हमारा किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जिया जाता है तो अगर हमारे रेफरेंस पॉइंट जीवन में शास्त्र नहीं है हमारी मानसिक स्थिति हमारे भौतिक एक्सपीरियंसेस हैं तो क्या आपको लगता है आप अपने जीवन में स्वयं के लिए सही निर्णय ले पाएंगे जब हम स्वयं के लिए निर्णय नहीं ले पाएंगे तो क्या हम किसी का मार्गदर्शन कर सकते हैं तो कृपा करके इस चीज़ को बहुत सावधानी से समझिए इस कौन में हम लोग साथ में आते हैं सेवा का बहुत मौका मिलता है तो एक नेचुरल एक वो रहती है अर्ज टू लीड टू मेक डिसीजंस बस सर्वप्रथम अपने आप से पहले ये पूछना चाहिए जो मैं डिसीजंस लूंगा उसके मैं अभी अधिकारी हूं या नहीं मैं कितना जानता हूँ मैं कितना समझता हूँ मेरी कितनी समझ है जो मेरी समझ भौतिक चीजों के अनुसार है तो क्या मैं उस प्रकार से निर्णय ले सकता हूँ तो हाउ कैन वी वैन वी कैनॉट गाइड अवर ओन लाइफ उ कैन वी गाइड समबडीस सो ज्ञान और श्रद्धा दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं तो शास्त्र अध्ययन करना अनिवार्य है अब तीसरा प्रश्न आई होप सेकेंड क्वेश्चन इज क्लियर हाउ टू मेक प्रोग्रेस थ्रू ज्ञान एंड श्रद्धा तो वो तीसरे अध्याय में शील रूप गोस्वामी इसलिए चर्चा करते हैं कनिष्ठ अधिकारी मध्यमत्व अधिकारी शुद्ध भक्ति करने के लिए टू परफॉर्म प्योर डिवोशनल सर्विस वॉट टू थिंग्स वी हैव टू गिव मैं आपको आपके टेस्ट में ला रहा हूँ। कॉन्शियस आपके एग्जाम इतने जटिल नहीं होंगे एग्जाम तो बड़े सरल होंगे पर आप भक्तिरसा में सिंधु से कुछ सीखे तो ये तो तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको हरे कृष्णा एरर फोर ओ फोर ये कौन है भाई हाँ थोड़ा फोटो देख के मैं घबरा गया हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे मैं ट्रैवल कर रही हूँ right, right. आपका नाम भी छुपा हुआ था और फोटो तो बड़ी मुस्कुराती हुई है तो मैं थोड़ा चिंतित हो गया है कोई बात नहीं मदर बोलिए क्या, क्या माता जी Okay, very nice, very nice. तो की -की -की? ज्ञान कर्म को बताया गया क्या ज्ञान कर्म में त्यागना है क्या अपनाना है उस प्रकार से अभिलाषिता ठीक है मैं बड़ा ही उस अभिलाषा में भी जो इच्छा है उसमें भी दो स्पेसिफिक रूप गोस्वामी तीसरे अध्याय में ही कहते हैं पहला दूसरा तीसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है उसको नहीं तो कम से कम दस बार पढ़िए नहीं तो रिकॉर्डिंग को तीन बार सुनिए तब जाके आपको ये विषय समझ आएगा बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो बड़े संक्षिप्त में वर्णन किया गया है सो वट आर टू थिंग्स एंड वी डोट गिव आर राइट यू आर वेरी क्लोज ऑन दैट बट वेरी टू स्पेसिफिक थिंग्स यस मेक एन अटेम्प्टो आई do नॉट नो वर्ष तो नहीं बता पा रहा वर्ष नहीं तो आप तो सत्संग का त्याग ओके okay. असत्संग का त्याग फाइन करेक्ट एक, एक पता है वो huh? हाँ सर्वपादी विनिर्मुक्त डेजिग्नेशन ओके लेट मी सी इफ आई कैन पुल आउट अ वर्स ये चैतन्य चरिता में तुम्हें आता है उप्स सो प्लीज रिपीट आफ्टर मी भुक्ति मुक्ति इस प्रहायावन पिशाची हिदिवर्तते तावद भक्ति सुखस्यात्रा कथम अभ्युदयो भवे, अभ्यूदयो भवे। तो शिलो रूप गोस्वामी श्लोक कोट करके कहते हैं भुक्ति मुक्ति की जो भावनाएं हैं इच्छा हैं उसको त्यागना है और यहाँ पे उनको किसके संग कंपेयर करा गया है पिशाची भूत जब व्यक्ति के ऊपर भूत चढ़ जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से कृत नहीं करता ही इज कंट्रोल्ड लिविंग एंटिटी एंड फोर्स टू एक्ट इन अ डिफरेंट वे इसलिए जो हमारा वास्तविक रूप है भगवान की सेवा करना उस वास्तविक रूप को त्याग कर इस भुक्ति मुक्ति के पिशाच से फंसने के कारण हम हमेशा भगवान की सेवा को छोड़कर कुछ और करते रहते हैं That is point. So, दो चीजें भुक्ति मतलब भोग ऐश्वर्य नाम तया अपरत चेतसा तो so, जैसे मतलब प्राची ओ अन्य अभिलाषिता सो करेक्ट और उसमें एक और चीज जो स्पेसिफिकली आती है मुक्ति तो भुक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन धीरे धीरे भक्तों के संग में वो कम हो जाता है चला जाता है क्योंकि वी हैव हायर टेस्ट और हायर अपॉर्चुनिटी फॉर सेंस कृष्णा प्रसाद के लिए बहुत अच्छा कीर्तन भक्त संग यू नो वी हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज तो भुक्ति की भावना तो फिर भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है पर शिला रूपों के सामने फिर चर्चा करते हैं पर मुक्ति बड़ा ही यू नो you know, जटिल है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता मुक्ति क्या है कई परिभाषाएं हैं मुक्ति का मतलब है सभी प्रकार के जीवन में आने वाली विपदाओं से मुक्त होना दूसरा अर्थ है मुक्ति से आ, जब व्यक्ति बहुत ही रेनाउंस रेनाउंसिएशन का पालन करता है तो उसके अंदर उसका हृदय कठोर हो जाता है तो फिर वो अब अध्यात्म जगत क्या है इज अ प्लेस ऑफ वेरीगेटेडनेस अलग प्रकार के रिलेशनशिप्स हैं सब कुछ है वह रस है पर जो व्यक्ति इस प्रकार की ज्ञानी प्रवृत्ति का हो जाता है जो मुक्ति की इच्छा कर बैठता है तो वो क्या चाहता है एवरीथिंग इज वन डनी रिलेशनशिप चैप्टर नंबर फोर्थ एंडवर्स नंबर नाइन जन्म कर्म चमय दिव्य उसका पपड़ पड़ेगा बहुत खूबसूरत तरीके से प्पा दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं तो ये जो शास्त्र में कहा गया है द लास्ट ने लास्ट ने लास्ट ट्रिक है माया की क्या है जो व्यक्ति बहुत आगे उन्नति कर चुका है अध्यात्म मार्ग में वहां माया की आखिरी ट्रिक या ब्रह्मास्त्र क्या होता है आई एम गॉड और ये बहुत कूट कूट के भरा पड़ा है ये आई एम द कंट्रोलर आई एम द प्रोप्राइटर आई एम द एंजॉय आई आल गिव यू सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किस प्रकार से ये हम हमारे व्यवहार में दर्शाता है इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं पहले सही से ट्रेनिंग लीजिए वी शुड अंडरस्टैंड यू नो जस्ट लाइक देर इज एन अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसशिप टाइम वही आपको छह महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है अगर आप मिलिट्री ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग पीरियड होता है आप भक्ति में आए तो कुछ पहले ट्रेनिंग प्राप्त करिए ट्रेनिंग के बाद आप कुछ करने का प्रयत्न करेंगे तो सफल होंगे पर ट्रेनिंग से पहले हम हाथ पे मारना शुरू कर देंगे तो सिर्फ क्या कहते हैं अर्थ को एक आएगा और कुछ नहीं आएगा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस सो वॉज मेकिंग मुक्ति, द लास्ट नेर ऑफ my हा हाँ प्रैक्टिकल थिंग वन प्रैक्टिकल example वेयर दिस आई एम द कंट्रोल थिंग मैनिफेस्ट is इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जहा हम गाइडेंस लेते हुए बड़े ही के चाहते हैं जहां में लगता है कि हमें आवश्यकता ही नहीं मार्गदर्शन लेने की हम अपना निर्णय हम सेवा अपने अनुसार हम सब कुछ अपने अनुसार कर सकते हैं एंड वी ऑल अंडर गो थ्रू दिस शुरुआत में तो इसका बहुत अधिक एहसास होता है पर ये जो चीज है ये बहुत लंबे समय तक नहीं जाती है व्यक्ति सोचता है कि मैं भी मैं भी तो कुछ हूँ हमें लगता है कि अगर हम अपने आप इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे तो मैं अपने अस्तित्व को दर्शा रहा हूँ कि मैं भी कुछ हूँ और मैं केवल दूसरों के निर्णय का पालन करता रहूंगा तो इसका मतलब मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है मेरी तो कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है मेरी तो कोई बुद्धि नहीं है तो शिला प्रभुपाद श्रीमद भागवतम के ही पहले स्कंद में आई गेस दूसरे या तीसरे चैप्टर चाप्ट, के पर्पट में लिखते हैं ऑनली अ ग्रेट फॉलोअर कैन बिकम अ ग्रेट लीडर यह लीडरशिप का सूत्र है दूसरी चीज जब एक व्यक्ति दूसरे लीडर की शरण में सेवा करता है तभी वो जाके ढंग से लीडरशिप अपना सकता है सो लीडर लीडर्स आर बॉन्ड ओके पर लीडर्स ऑल्सो क्रिएटेड एंड हाउ लीडर्स क्रिएटेड सर्वेंट इज अ गुड लीडर बिकॉज ट्रू लीडरशिप इज सर्वेंट लीडरशिप अगर आपने किसी के सानिघ्य में शरण में आके सेवा करना ही नहीं सीखा तो आप कैसे सेवावृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं सेवावृत्ति ये कोई थियोरिटिकल सब्जेक्ट नहीं है दिस हैजू बी अंडरस्टूड एंड लर्न बाय सर्विंग समबडी तो दैट्स अ पॉइंट हियर तो ये मुक्ति की जो ये कंट्रोलरशिप मेंटालिटी है ये तभी समाप्त हो सकती है तभी मुक्त हो सकती है जहाँ हम शरणागति वो प्रिंसिपल आएगा अभी जब आगे पढ़ेंगे वो उसका शरणागति के बारे में सीखा है जहाँ हम कुछ भी निर्णय लें तो वी लर्न यू नो वी 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 टेक इट अंडर गाइडेंस सिंपल सा उदाहरण अगर आप महाभारत में देखेंगे बहुत सारे ऐसे किस्से आते हैं जब भीम युधिष्ठर महाराज से बहुत गुस्सा हो जाते हैं या ये कहिए कुंती और पांडवस माता कुंती बिना युधिष्ठर महाराज और उस भिक्षा को देखे कहती हैं पांचों में बांट लो बड़ा ही मुश्किल निर्णय था सबसे मुश्किल किसके लिए था अर्जुन के लिए राइट शादी तो अर्जुन की भी थी ना दुर्योधन को गंधर्व अगवा कर लेते हैं भीम खुश होता है कि चलो जो हमें करना था किसी और ने कर लिया और युधिष्टर कहते हैं भीम जाओ उसकी रक्षा करो भीम को बहुत क्रोध आया था आ, डाइस गेम चल रहा है उस समय भी युधिष्ठर महाराज को ऐसे निर्णय करते हैं जो भीम को पसंद नहीं आते कई कई ऐसी स्थिति थी पर आप देखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए डिड दे ऑल फॉलो या नो मैं यहां पे यह नहीं कह रहा कि अगर दुर्योधन जैसा लीडर हो तो आप फिर भी फॉलो करो नो नॉट द पॉइंट युधिष्ठ महाराज और धर्मराज गलती सबसे होती है परंतु महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए क्या है टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सबोर्डिनेशन टू फॉलो भीम चाहते तो कह सकते थे ना युधिष्ठ महाराज मैं नहीं अपनाता तुम्हें तुम्हारे बड़े होने का फायदा ही क्या तुम्हारे धर्मराज होने का फायदा है क्या तुम्हारे कारण वनवास में हम भटक रहे हैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी के संग हमारी पत्नी के संग इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ प्रियवरत महाराज ब्रह्मा को मना कर सकते थे नहीं करूंगा मैं शादी एनो प्रथु महाराज ब्रह्मा जी विष्णु को मना कर सकते थे नहीं इंद्र को मैं माफ करूंगा गलती एंड दे ऑल वर राइट यस ऑर नो दे ऑल वर राइट सो भक्ति के मार्ग में बीइंग राइट इज नॉट ऑलवेज राइट प्लीज अंडरस्टैंड दिस मोरालिटी मंडेन मोरालिटी को लेकर नहीं आना चाहिए यह विषय आपको और समझ आएगा जब आप अलग अलग प्रकार की सेवा जब आगे जब अनेक सेवा का मौका मिलेगा भक्त संघ में तो ये बहुत इश्यू बनता है सो बींग राइट इज नॉट ऑलवेज राइट वॉट इज ऑलवेज राइट इज टू फॉलो द मूड ऑफ अ सर्वेंट आपके सही होने से फायदा ही क्या जिसके कारण दूसरे के प्रति वैष्णव अपराध हो जाए इज नो पॉइंट अबाउट इट सो एज अ सबॉर्डिनेट इफ आई एम अ अबॉर्डिनेट माई ड्यूटी इज टू फॉलो i cannot say i don't i don't i give it up or i walk away that is not bhakti so this is where this whole mukti you understand this this is these are symptoms of being controller aur in cheez ko hi niyantran karne ke liye सबिटरशिप सबॉर्डिनेशन पे जोर दिया जाता है और अगर हम उस प्रकार से नियमों का पालन नहीं कर सकते तो ये मुक्ति की जो इच्छा है सप्रथम जो सबसे अधिक आएगी जब भविष्य में व्यक्ति काफी प्रगति कर लेता है कि आई एम गॉड हिस्ट चंद्रमौली महाराज अचर इन शिकागो शिकागो टेम्पल एंड ही वॉज कोटिंग वन प्रोपा डिसाइपल सनयासी वेरी वेरीशियल डिसाइपल ऑफ प्रोपाद एंड ई शेड उनके द्वारा कुछ गलत डिसीजन हुए थे एंड ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड ऑल्सो and he said at one point of time he became so spiritually advanced and definitely was very spiritually advanced he did tremendous service for shрила प्रभुपाद एक स्थिति का समय है उसको ऐसा लगने लगा कि वही भगवान है and what is the symptom of i am god that you stop listening to everyone else कितने लोगों ने उसको समझाने का प्रयत्न किया कि आप जो निर्णय ले रहे हैं सही नहीं है गलत है किसी का सुनने का उसने प्रयत्न ही नहीं करा अब भाई स्वराट कौन है कृष्णि तो स्वराट है ओनली ही इज द वन हु डज नॉट नीड टू फॉलो एनी वन पर जब एक साधारण व्यक्ति चाहे कितना ही मान अध्यात्म जीवन में प्रगति कर ले पर वो इस प्रकार से कहे कि मुझे किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं मुझे पता है सही क्या है इवन शिला प्रभुपात बढ़ी है शिला प्रभुपात को किताब लिखने की प्रेरणा किसने दी एक न्यूज़पेपर वाले ने न्यूजपेपर वाले या मैगजीन वाले ने अलग अलग आप शिला प्रभुपात की चीज़ों को देखो तो प्रेरणा कहाँ से आई शिला प्रल्सो गुड लिस्नर बिकॉज गुड सर्वेंट वो उनका to to तो इस मुक्ति के विषय में इसलिए चौथे अध्याय पूरा पूरा गोस्वामी आप देखेंगे तो बात करते हैं कि कैसे भक्ति मुक्ति से भी अधिक सर्वश्रेष्ठ है तो ये बहुत एक्चुअली भक्ति प्रिंसिपल क्या है दासानु दास. और जो ये मुक्ति कॉन्शियसनेस में क्या है बॉस अनु यू हैव टू अंडरस्टैंड ना दिस इज दिस मे साउंड एज रेटोरिक और पोएटिक बट दिस डेप्थ टू अ मैसेज जब तक हम सही रूप से अपनी ट्रेनिंग नहीं लेते तो ये बॉस अनु की व्यवस्था ये जो भाव है खत्म नहीं होगा दासानुदास की स्थिति को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए चौथे अध्याय में शीला रूप गोस्वामी पैतीस से अधिक रेफरेंसेस देते हैं बताने के लिए कैसे दासानुदास, दास से भी सर्वश्रेष्ठ है क्यों क्योंकि जो भक्ति रस का आस्वादन है वो व्यक्ति भगवान भी बन जाए तो उसको उसका एहसास नहीं हो सकता भगवान उसी भक्ति रस को चखने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए स्वयं कृष्ण इसलिए उस रूप में आए समझने के लिए कि श्रीमती राधा रानी को ऐसा क्या रस प्राप्त होता है कि वो मुझसे भी अधिक खुश रहती हैं इसलिए शिल रूप गोस्वामी या चौथा अध्याय बात करते हैं पूरा का पूरा कैसे भक्ति मुक्ति से भी सर्वश्रेष्ठ है तो तीन प्रश्नों पे अभी तक चर्चा करिए इसको कृपा करके कंठस्थ कर लीजिए भक्ति की शुरुआत भक्ति की कृपा से होती है भक्ति में प्रगति करने के लिए श्रद्धा और ज्ञान की आवश्यकता है जितनी हमारी श्रद्धा और ज्ञान दृढ़ होता है उतनी हम प्रगति कर पाते हैं और शुद्ध भक्ति करने के लिए हमें दो चीजों को त्यागना है वो है भुक्ति एंड मुक्ति साधना भक्ति साधना भक्ति के विषय में चर्चा की जाती है तो शिला प्रुपात लिखते हैं तीन चीजें साधना भक्ति के बारे में शिला प्रपात कहते हैं वही <coughs> साधना भक्ति की परिभाषा में साध, साधना भक्ति के बारे में प्रपात पहली चीज कहते हैं रेगुलेटेड डिवोशनल प्रैक्टिस नियम के अनुसार रेगुलेटेड हाँ सोला माला नाम जप मंगल आती आदि एटसेट्रा एटसेट्रा दूसरी बात प्रपात कहते हैं साधना भक्ति कैन क्योर द मैडनेस अप्रोपात उदाहरण देते हैं ये दूसरे अध्याय से मैं बात कर रहा हूँ उदाहरण देते हैं कि जब व्यक्ति को मेंटल डिसीज होती है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और अगर साइकेट्रिस्ट के दिए हुए निर्देश को ढंग से पालन करता है तो अपने मेंटल सिकनेस से दूर हो जाता है और इस इस भौतिक जगत में सभी पागल हैं क्यों अपने आप को शरीर मानते हैं दिस इज अंटल सिकनेस और उससे दूर होने के लिए मुक्त होने के लिए भक्ति नियमों का पालन करना अनिवार्य है और अब तीसरी चीज शिला प्रभुपात कहते हैं आई नो नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड रिमेम्बर सिंह बट लेट मी हाईलाइट फॉर यू तीसरी चीज प्रभुपात कहते हैं कि जो गुरु होता है वो सदैव इस चीज में चिंतन करता रहता है कि मैं कैसे भक्त और श्रद्धालुओं को भगवान की शरण और सेवा में लगाऊं <coughs> इससे शिला रूप गोस्वामी इस संदर्भ में दो श्लोक कोट करते हैं आई बिलीव दिस कंपोजिशन स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा कि स्मर्तव्यो कृष्ण को सदैव भगवान को सदैव याद करना विस्मृत्यो न जातुचित कभी भूलना नहीं सर्वे विधि रूल्स निषेध जो त्यागना होता है डूज एंड डोन्ट्स उनका सारांश क्या है कृष्ण को सदैव याद करो कृष्ण कभी भूलना नहीं चाहिए इसे ये आई द एट्थ श्लोका सेकेंड श्लोक फोर्थ श्लोका में इससे कुछ श्लोक पहले कहते हैं ये नेना प्रकार मना कृष्ण निवेशयत एंड लास्ट लाइन इज द सेम सर्वे विधि निषेधा से किंकर ये न तेना प्रकार बाय क्रुक वे शुड बी एबल टू थिंक अबाउट कृष्णा सर्वे विधि निषेध से सभी रूल्स एंड रेगुलेशन का सारांश ये क्या है कि हम हर समय कृष्ण को याद कर सकें तो वो करने के लिए कि हम कृष्ण का चिंतन कर सकें इसलिए सातवें अध्याय या छठे अध्याय में चौसठ नियमों का वर्णन किया गया है और सातवें अध्याय से उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है This is the whole recap of what's going on here. This is a flow of discussion. Are you all getting it? Otherwise, आपको मुझे नहीं पता, आपको कितना समझ आ रहा है सही में वक्तीरसाविसंधु। I'm trying to make it as simple as clear for all of you, but all right. So सातवें अध्याय से लेकर तेरवें अध्याय तक अब उन 66 नियमों का वर्णन आता है। जिसको अगर व्यक्ति जीवन में पालन करता है तो ये ना तेना ना मना मना कृष्णा निवेश कृष्ण पर ध्यान लगा सकता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है सातवें अध्याय के अंदर दस नियम जो करने चाहिए जहाँ पे सर्वप्रथम था गुरु की शरण लेना गुरु आश्रय के ऊपर चर्चा की गई थी वो था सातवें अध्याय का विषय सातवें अध्याय में अप टू एटीन रेगुलेटिव वो डिस्कस तो शुरू में दस जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं चौसठ में से जो हमें करने चाहिए अगले दस से जो हमें नहीं करने चाहिए आठवें अध्याय में आठवां अध्याय जो शिला प्रपात के द्वारा एट चैप्टर लिखा गया उसमें सिर्फ नाइनटीन आइटम डिस्कस किया गया है वो है अपराध उसके ऊपर चर्चा की गई है ऑफेंसेज टू बी अवॉयडेड जहां पर सेवा अपराध विग्रह अपराध या सेवा अपराध कह लीजिए और नाम अपराध ये विषय था आपका आठवें अध्याय का नौवे अध्याय के अंदर चर्चा शुरू होती है नाइनटीन या ट्वेंटीएथ आइटम से एटीन नाइनटीन ट्वेंटीएथ आइटम से शुरू होती है जहां ब्लास्ट के ऊपर चर्चा की गई है तो हमने पिछले सत्र में ये विषय आपका आ, शायद आ, आप आगे जाएंगे तो सकम एम्बुलेटिंग द टेम्पल ऑफ विष्णु तीसरे पेज में जो नियम आता है विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए हमने वहां तक चर्चा करी थी यस और नो इस विषय पर चर्चा हो चुकी है तो कहां तक चर्चा हुई है तो हमारे ऑनलाइन वक्त बताएंगे हमने लास्ट टाइम कौन सा विषय पढ़ा सिंगिंग नहीं नहीं अर्चना की तो मैंने बात ही नहीं करी हाँ तो क्लास खत्म होने के बाद कभी कभी घर में किताब खोलकर पढ़ लेना भी चाहिए तो अभी आप ढूंढ रहे कि होमवर्क क्या लिखा हुआ था कहा लिखा हुआ था सो एस आई अंडरस्टैंड हमने प्रमुखता जोड़ दिया था वैष्णव अपराध पर उसके बाद बाकी के जो कुछ पॉइंट्स हमने जल्दी जल्दी पढ़े थे तो कोई बात नहीं अब अर्चना से चर्चा करते हैं विच इज आई बिलीव ट्वेंटी नाइन्थ आइटम यह विषय पे शुरुआत करने से पहले किसी का कोई प्रश्न अभी तक जो चर्चा की गई है यस सुनील yes, सुनिर्मल माता जी इज बेटर टू क्लैरिफाई बिफोर वी बिकॉज अब आगे जाएंगे ना तो पीछे का वो व्हाइट वॉश होता रहता है तो कहीं अगर आप स्टिल यूर हैंग यू कैन आस्क यस मदर हरे कृष्ण प्रभु वो अधिकारी शब्द का अर्थ क्या है अधिकारी अधिकारी मतलब जो शुद्ध भक्ति करने के लिए योग्य है जो शुद्ध भक्ति करने के लिए अधिकारी इसलिए अधिकारी कहा गया तो कंष्ट अधिकारी बहुत बड़ी स्टेज है कोई सरल स्टेज नहीं है इसलिए हमने जब चर्चा करी थी क्लेश आग्नि सुभदम मोक्ष लागत सुदुल्लभ जब बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पे कोट करा था कि कैसे भक्ति के माध्यम से रूप गोस्वामी कहते हैं कि व्यक्ति केवल पाप कर्म नहीं यहाँ तक कि पाप कर्म करने की इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है तो वहाँ पर हमने देवहूति के द्वारा दो श्लोक कोट करे थे जहाँ वो बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण का नाम ले रहा है वो अपने पिछले जन्मों में हर प्रकार का यज्ञ तप सब कुछ करके आ चुका है तो कनिष्ठ अधिकारी भी तो नाम जप कर रहा है कोई नाम जप कर रहा है तो इसे शुद्ध भक्ति द द नेम्स ऑफ ऑफ लॉर्ड इज एस्पेक्ट प्योर डिवोशनल सर्विस इसलिए चाहे उसके अंदर बाकी अवगुण हो पर उसको फिर भी कनिष्ठ अधिकारी कहा जाएगा जो पर जो चार प्रकार के पुण्य आत्मा थी आर्था थी उनको अधिकारी नहीं कहा गया क्योंकि मंदिर में जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते है, आते हैं चले जाते हैं बट अगर वो भी हरिनाम करना शुरू कर दें

निवेदन, जो लिखा हुआ हिंदी के में। के में। संकीर्तन बाद ठीक है जब... तो मैं आपकी परीक्षा ले, ले लेता हूँ कि हम पढ़ तो चुके हैं। तो मैं अर्चना और क्या कहते हैं सेवा करने के ऊपर एक आध प्रश्न पूछ लेता हूँ तो पता चलेगा कितना तो पढ़ा था ऑलराइट वी कैन डू वे आंसर नहीं दिया तो मैं बता दूंगा इसका विषय क्या है सर so, ठीक है अगर आप लोग को लग रहा है सब पढ़ी लिया है तो दो चीजें हैं अर्चना जो विषय है अर्चना डी टी वर्शिप के ऊपर चर्चा की गई है यहाँ जोड़ दिया गया है शिला शुरा, रूप गोस्वामी बहुत ही खूबसूरत श्लोक कोट करते हैं श्रीमद भागवतों के दसवें स्कंद से जहाँ बताया गया है कि जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के कहने से आ, जब आ, नो वो ब्राह्मण के घर जा रहे थे भिक्षा मांगने के लिए या ये कहने के लिए कि कृष्ण बलराम को भूख लगी है तो उस समय वो ही से समथिंग व्हाट ही सेज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल आई रियली लव्ड इट वो कहते हैं किसी पे हिंदी है अर्चना का पहला पैराग्राफ उसमें कोटेशन दिखेगा वहां से पढ़िए दिस कैन बी विद मदर्स हियर एंड केबल माई कैन बी विद प्रभु इंग्लिश में लिखा है सिंपली बाय वर्शिपिंग वहां कोटेशन है सुदामा की हरे कृष्ण यह बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे कृष्ण की पूजा करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य मुक्ति ब्रह्मांड के समस्त लोगों में श्रेष्ठता इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा तो योग शक्ति प्राप्त कर सकता है तो और आगे जाके हम प्रत कोट करते हैं कि स्थिति क्या थी ब्राह्मणों ने अन्न देने से मना कर दिया था तो यहाँ पे कृष्ण की सेवा का मौका था उन्होंने वो मौका गवा दिया था एनी वेज द मेनी मेनी इंपॉर्टेंट वर्ष प्रहलाद महाराज कहते हैं इज़ श्रवनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवा अर्चनम तो अगर आपको अर्चनम के विषय में पढ़ना है तो शिला प्रभुपात का श्लोक का पपड़ पड़ेगा कम से कम दो से तीन पेजेस शिला प्रभुपात ने अर्चनम को विस्तार से बताने का प्रयत्न किया है तो सारांश यही है जो व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं विग्रह सेवा करते हैं शास्त्र में लिखा है वो निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाते हैं दैट्स अ पॉइंट हियर अगला पॉइंट है आई गेस इज़ दर्टियथ रूल भगवान की सेवा करना तो जो यहाँ पे चर्चा की गई है भगवान की सेवा करना ये डी टी वर्शिप से ही रिलेटेड है प्रपात कहते हैं सेवा करना यहाँ जोड़ देते हैं टेंपल वर्शिप भगवान प्रपात कहते हैं जिस व्यक्ति के पास क्षमता है जिस व्यक्ति के पास धन है उसको भगवान के मंदिर बनाने में योगदान देना चाहिए ताकि भगवान की भव्यशाली भव्य रूप से पूजा आराधना हो सके उस बात पे चर्चा की गई है और फिर दूसरे पैराग्राफ में उसी सब्जेक्ट के दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं मंदिर की आवश्यकता क्या होती है कोई वक्त पढ़ना चाहेगा एनी ऑनलाइन डिवोटी रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड उसका सेकंड पैराग्राफ जहां प्रभुपाद बताते हैं कि मंदिर की आवश्यकता क्या होती है सचिन प्रभु गोहड निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हो और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या भगवान नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा दूसरे शब्दों में एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या

दिल्ली दिल्ली में ही पंद्रह से अधिक मंदिर हो चुके हैं जहां तक मुझे पता है तकरीबन हर कोई मंदिर एक से बढ़कर एक भव्यशाली मंदिर है उन्हीं की प्रेरणा के द्वारा इस्कॉन पुणे जो आज ये मंदिर बना हुआ है कातरज का वो भी उन्हीं की प्रेरणा के द्वारा है उन्होंने ही भक्तों को प्रोत्साहन दिया इंस्पायर करा इंकरेज करा कि आप बड़ा मंदिर बांधिए वरना भक्तों की लगी नहीं रही थी क्षमता है कि हम इतना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे तो क्या सोच है शिला प्रभुपाद की भी इसी प्रकार सोच थी जैसे वृंदावन में बॉम्बे में बहुत अद्भुत मंदिर बनाए मायापुर का तो चलो बाद में जाके तैयार हुआ पर वृंदावन मायापुर बॉम्बे टेम्पल गुड बॉम्बे टेम्पल में तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कंपनी एनो एल एन जैसी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को लाकर वो गेस्ट हाउस बनवाया गया यू नो मंदिर वाले थोड़ा कभी ऐसा करते हैं इतना हाई है एंड कंस्ट्रक्शन सो so, कारण क्या था जब भगवान का घर भगवान का मंदिर जहाँ पे सुविधा हो हर प्रकार की साथ ही साथ भव्यशाली हो तो लोग अट्रैक्ट होकर दर्शन करने के लिए आएंगे भाई जहाँ पे भी कुछ अच्छी चीज़ होती है तो लोग आते हैं ना देखने के लिए क्या है अगर आप देखेंगे कातरज टेम्पल में बड़ा फुटफॉल है ज़्यादातर लोग देखने के लिए आते हैं ऐसा क्या खूबसूरत चीज़ है वैसे कातरज में उसके अलावा कुछ और देखने की चीज़ नहीं है वहाँ सिर्फ ट्रैफिक ही जाम है यू नो इट्स नॉट अ गुड प्लेस एस सच पर लोग फिर भी वहाँ आते हैं उस मंदिर को देखने के लिए जब लोग मंदिर में आएंगे तो क्या होगा भक्तों का संग मिलेगा भगवान के दर्शन होंगे और नाम कीर्तन के बारे में मौका मिलेगा तो इससे भक्ति करने का मौका मिलता है तो अंत में प्रभुपाद ये कहते हैं कि यू नो जो व्यक्ति भगवान जो भगवान की सेवा निरंतर करने में लगा हुआ है उनको तो निश्चित रूप से ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो प्रभुपाद शिला रूप गोस्वामी कोटेशन करते हैं चौथे स्कंद से जहाँ पे प्रभुपात बताते हैं कि कहा गया है कि गंगा जो भगवान के चरणों का अभिषेक करके आती है भगवान का चरणमृत है कोई चरण को ग्रहण करता है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है तो गंगा के आ, के स्पर्श से या उसको स्वीकारने से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त हो सकती है जो भगवान का अभिषेक करके आई है गंगा जल तो सोचिए जो व्यक्ति नित्य सततम भगवान की सेवा करने में लगा है तो निश्चित रूप से उसको भगवान की कृपा प्राप्त होगी दैट इज मेड हियर टेक्स्ट नंबर नॉट टेक्स्ट नंबर द नेक्स्ट आइटम अब तीन आइटम दिए गए हैं सिंगिंग जिसको आप कीर्तनम कह सकते हैं संकीर्तन और तीसरा आइटम है जपा तो कोई आप में से बताना चाहेगा जपा कीर्तन संकीर्तन में क्या अंतर है तीन आइटम दिए गए ना अलग अलग इकतीस बत्तीस तैतीसवां इकतीस है कीर्तनम जिसको सिंगिंग कहते हैं इंग्लिश में बत्तीसवां है संकीर्तन और तैंतीसवां है जपा तो कोई बताना चाहेगा इन तीनों में अंतर क्या है हरे कृष्णा ये ज्यादातर भक्तों के कैमराज ऑफ है हाँ गौतम प्रूफ मार्गदम एबसेंट जिन जिनका कैमरा ऑफ है हाँ जिन्होंने परमिशन ली है उनको एप, उनको अटेंडेंस देना बाकी जो कैमरा ऑफ है एबसेंट हरे कृष्णा ओके साखी स्मृति माता जी प्लीज गो हैड अनम्यूट अन्यूट प्लीज हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी, जी. जोर जो, जो से स्वरों में जाता, उसे हैं। और जो धीरे धीरे किया जाता उसे है उसे तो कीर्तन जपा संकीर्तन तीन चीजें आपने तो दो के बारे में चर्चा करी तो और क्या अंतर है आपने तो जब हाँ जी <laughs> आपने तो जप के बारे में बता दिया ठीक है मदर श्वेता गो हेड जो भगवान के नो no, तीनों ही भगवान के लिए हैं बट दे स्लाइट डिफरेंस यस हाँ जी yeah. जपा मीन्स लाइक मेडिटेशन ऑन द नेम मेडिटेशन करना लाइक होली नेम का जेंट करना उसको जपा बोलते हैं में से ग्लोरीफिकेशन थ्रू आई सं, मीन I mean, गी, गीत के माध्यम से ग्लोरीफिकेशन करना लड़का संकीर्तन मींस डिवोटी के एसोसिएशन के थ्रू हाँ संग तो, तो जपा मतलब जो आप अपने हित के लिए आप धीरे-धीरे भगवान का नाम जप करते हैं उसको कहा जाता है जपा 16 माला नाम जप कब करनी चाहिए 16 माला नाम जप सुबह हाँ हरे कृष्ण वी नीड टू म्यूट आई गेस यू ऑल कैन टाइप इन टाइप इन द चैट बॉक्स सो सोलामाला नाम जब करना चाहिए वो कब करना चाहिए चौबीस घंटे में कोटा फिनिश करना चाहिए ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर कोटा फिनिश करना चाहिए या बारह घंटे के अंदर कोटा फिनिश करना चाहिए या सुबह बारह बजे से पहले करना चाहिए या सुबह सात बजे से पहले करना चाहिए चार ऑप्शन है चूज करिए आपका भविष्य उस पर निर्धारित है आप क्या ऑप्शन ठीक करतेवन ओ क्लॉक कीर्तन भगवान के यू नो गुण नाम इत्यादि को जब हम जोर से गाते हैं उसको जा, कहा जाता है कीर्तन और वही कीर्तन संकीर्तन बन जाता है जब भक्तों के संग आकर हम उसको जोर जोर से उसका उच्चारण करते हैं uh, जिसको कांग्रीगेशनल चैंटिंग कहा गया है तो कीर्तन केवल नाउ व्हाट व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कीर्तन वी कैन डू लेट्स लेट्स टॉक अबाउट इट लिटिल बिट सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द काइंड्स एंड द टाइप्स ऑफ कीर्तन वी कैन डू यस रामकृष्ण माइक हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी सो नाम कीर्तन रूप कीर्तन गुण कीर्तन तो, नाम गाएंगे तो okay. नाम हो गया। कोई कथा कर रहे तो वो भगवान की लीला कथा कर रहे तो लीला कीर्तन हो गई भगवान के रूप की चर्चा कर रहे तो रूप कीर्तन हो सकता है भगवान के गुण की चर्चा करके क्लोज बाय बट नॉट एग्जैक्ट क्लोज बाय भगवत गीता

कीर्तन माना जाता है जिसके अंदर अब गुण रूप नाम लीला आता है क्लियर right? भगवदगीता का श्लोकों का उच्चारण करना श्रीमद भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करना ब्रह्म समीता नारद पंचरात इत्यादि इत्यादि ये सब संकीर्तन के भाग हैं फिर आता है चौतीसवा आइटम सबमिशन हिंदी में क्या लिखा है सबमिशन शब्द आत्मनिवेदन निवेदन निवेदन राइट हाँ करेक्ट निवेदन सो ओके समबडी प्लीज रीड आउट द पैराग्राफ इन हिंदी या कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए तो तो फिर तब चर्चा करेंगे हाँ पढ़िए सतीश अंकल पढ़िए निवेदन विज्ञप्ति स्कंद पुराण में भगवान के चरण कमलों में निवेदन विज्ञप्ति विषयक एक कथन है जिसमें कहा गया है कि शांत भक्त

गुरु मुखा पदमा वाक्य चिते कोरिया क्या अरना कोरि हो मने आशा तो ये भावपूर्ण प्रार्थना तभी करी जा सकती है जब उसका भाव पता हो <laughs> जब भाव ही नहीं पता तो भावपूर्ण प्रार्थना नहीं करी जा सकती ओके सो दैट इज अ फर्स्ट थिंग सम प्रार्थनात्मिका उस प्रकार प्रार्थना करना दूसरा आइटम प्रभु जी दैन्य बोधिका अपने आप को विनित रूप से प्रस्तुत करते हुए कोई प्रार्थना जो इस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को प्रकट करता हो कोई प्रार्थना अयि नंद करम किंकरं पतितं मा विषमे भवां बुधौ कृपया तव पाद पंकजा सिता धूलि सदर्शनं विचिन्तया मैं तो आपके चरण कमलों में एक कण के समान हूँ यू नो Are, uh, uh, and humbly submitting Seva Dikar, okay? Okay, okay. And Nadhanam uh, na Nasundarim can also come in there, you know? We are saying, Mighty Lord. And what is that? The, the eighth verse. Uh, what is that eighth verse? Ashli Shava Padratam right? So these are the prayers for that, okay? And then comes the third one. Padiya Prabhuji? हाँ। किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की आकांक्षा इंद्रिय तृप्ति नहीं होती जब भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की कुछ अनुभूति होती, होती है तो उसे अपनी आदि स्थिति समझ में आती है और वह कृष्ण के मित्र दास माता पिता या प्रेमी के रूप में फिर से स्थापित होना चाहता है यह लालसमयी विज्ञप्ति तो ये जो प्रार्थनाओं का स्तर है बहुत ही एडवांस्ड है जहाँ पर एक प्रकाश या आप यू नो you know, दिस वेरी स्पेसिफिक प्रेयर्स कि हे प्रभु मैं आपको इस प्रकाश से आपकी सेवा करना चाहता हूँ या इस प्रकाश से मैं आपके संग संबंध बनाना चाहता हूँ तो ये बहुत ही एडवांस स्टेजेस में है बट ही दो जो प्रार्थनाएं हैं प्रार्था सम प्रार्थनात्मिका जब भावपूर्ण प्रार्थना करना और विनम्रता का भाव दिखाते प्रार्थना करना वो हम कर सकते हैं अगले दोनों पैराग्राफ में उसके उदाहरण दिए गए हैं तो देख लेते हैं संस्कृत में पढ़ लेते हैं पद्म पुराण में बताया गया है भावपूर्ण प्रार्थना करने का उदाहरण कोई और पढ़ना चाहेंगे सेकेंड पैराग्राफ और yes, युवकों में युवतियों के लिए स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है मेरा ना आपके चरण कमरों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह से आपकी ओर आकृष्ट हो यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है जब कोई तरुण या तरुणी द्वितीय लिंग वाले को देखते हैं तो उसमें बिना परिचय के ही सहज आकर्षण हो जाता है तो यहाँ पर, पर, पर भाव की चर्चा की गई है उदाहरण के रूप में कि जैसे एक युवक युवती के प्रति युवती युवक के प्रति आकर्षित होती है हे hey, प्रभु कृपा करके मेरा जो मन है लेट इट बिकम अट्रैक्टेड टू यू तो देर इज इमोशंस उसी प्रकार से अगला पढ़ते हैं मधुपूवी नेक्स्ट पैराग्राफ जहाँ पे सबमिशन ह्यूमिलिटी का वर्णन किया गया अगला पैराग्राफ पढ़िए उसी पर पुराण में दैन्य बौद्धिका विज्ञप्ति का एक उदाहरण है हे प्रभु मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है ना ही मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है मैं इतना पापी और अपराधी हूँ कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है यह भक्त की सहज स्थिति है दैसे, दैसे, दैसे। 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 बाकी डिटेल्स हैं वो जैसे आमार जीवन सदा पापे राती। तो इस प्रकार की प्रार्थना है यहाँ पर तो विस्तार से वर्णन करते हैं कि कैसे ये स्वभाविक स्थिति है भक्त के लिए समझना क्योंकि वो इस इस भौतिक जगत में है ना जाने किस किस प्रकार के उसने गलत कर्म करे हैं तो जब उसको ये समझ आता है तो निश्चित रूप से उसको बड़ा ही आ, बुरा लगता है तो अपनी ध्यानता का उसको एहसास होता है मतलब गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नारद पंचदास से एक और कोटेशन uh, दी गई है नारद पंचदास ने लालसा मई व्यगपति एक कथन है भक्त कहता है हे प्रभु मैं दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा झलने के लिए कहेंगे और आप स्वइच्छा यह कहेंगे तुम इस तरह से पंखा करो इस श्लोक का अर्थ यह है कि भक्त भगवान के शरीर पर स्वयं पंखा चलाना चाहता है अर्थात वे भगवान का पार्षद बनना चाहता है संदे किसी संदेब किसी भी हैसियत से चाहे दास या मित्र या प्रेमी रूप में हो भगवान के प्रत्येक सानिध्य में रहना चाहता है तो ये लालसा मई ये लालसा मई प्रार्थना का उदाहरण है दैट्स अ पॉइंट हियर मदर गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एक और कोट दिया गया है नारद पंचरात्र से mm -hmm. नारद पंतरास में एक अन्य स्थल पर ऐसी दिखाई देती है जहां वक्त कहता है प्रभु, कमल नयन वह दिन कब आएगा जब मैं यमुना तट पर एक पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूंगा और मेरी आंखों से अपिर अश्रुधारा बहती रहेगी यह दूसरे प्रकार की सिद्ध अवस्था है चैतन्य महाप्रभु ने भी कामना की थी कि एक एक क्षण मेरे लिए बारह वर्ष के समान लगे और आपको ना देखने के कारण सारा संसार सुना लगे मनुष्य को चाहिए कि भावपूर्ण प्रार्थना करे और भगवान की विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहे यह समस्त महान भक्तों का विशेषते आचेतनय महाप्रभु का उपदेश है और अंत में जो आखिरी पैराग्राफ है शिलाप रूप पद के ऊपर चर्चा करते हैं तरुण नित्यानंद प्रभु और माता जी यू वांट यू कैन रीड दैट लास्ट पैराग्राफ लालियम का लालियम का शब्द जो है उसका मतलब है ग्रीड एक एक ग्रीड एक्सट्रीम इच्छा प्राप्त करने की पढ़िए दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोककर पुकारा जाए इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोककर पुकारना चाहिए यह लोलियम कहलाता है पर ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित करता है तो लोल्यम कहलाता है तो उसी मूल्य को चुकाकर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है अन्यथा किसी भी भौतिक मूल्य के टिकट के बल पर वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वह यही लोल्यम अर्थात लालसा इच्छा तथा महान उत्कंठा है जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे अनेक उदाहरण प्रकट करे थे इस लालसा मई उसके जब उन्होंने गंगा के दर्शन करे तो उनको लगा यमुना और द्वार पड़े है ना तो दैट दैट शोज द ऑब्जर्प्शन आई वाज विद वन सीनियर डिवोटी एंड वी वर इन मायप एंड दिस डिवोटी इज वेरी स्पोंटेनियस तो मुझे ज्यादा पता नहीं था ऑल्दो तो हम कुछ तीन चार जगहों के लिए दर्शन के लिए गए थे एंड वो फ्रीकुंट ट्रेवलर हैं तो उनको पता था तो आई वॉज जस्ट अंपनी एक जगह पहुंचे जहाँ अब हमें बोट लेनी होगी तो जैसे हम गाड़ी से उतरे तो सामने गंगा बह रही थी एंड इज अस्पेनियसोटी गंगा गंगा करते हुए भाग पड़े

मैं तो प्रभु प्रभु <laughs> रुको और एक ये था कि वो तो भाग के निकल के उनको तो पता है मेरी स्थिति कुंभ मेले में खोई जैसी भक्त जैसी हो जाएगी इतना भीड़ उड़ा था उड़ाकर लॉन्ग लॉन्ग मुझे तो कुछ आइडिया था नहीं ओ भागते भागते इधर भागते भागते जाके तट पे जाके गंगा गंगा करके अपनी धुन में सो वैन आई वॉज रीडिंग दिस वेन आई एक This is, you know, एक, एक दर्शन ले थे एक लालसा जाके और तुरंत जाके पानी का लेकर स्पर्श किया, you know, किया उसको क्योंकि हम लोग अकेले थे तो उन्होंने परंतु समझिए उस व्यक्ति की चेतना कितनी विकसित है पॉइंट नॉट

से I mean नया नया <laughs> so, तो आए, आए तो सामने दरवाजे पे तुलसी महारानी की फोटो लगी हुई थी घर में कितने चित्र होते हैं एंड ईज एल्डरली डिबोटी स्पिरिचुअल मास्टर थाउजेंडल्ड एंड बॉडी हम लोग भी कितना कई बार वो कर जाते हैं संकोच प्रणाम करने में राइट यस नो ऑल ऑफ एस एन एक्सपीरियंस एंड दिस डिटी एंड वो तो मैं कितनी बार देखता था, था चित्र को एंड yes जैसे ही इन्होंने तुलसी महारानी के दर्शन लिए इमीडियटली वैन डाउन ऑन द ग्राउंड एंड यू ऑफ ऑपरेश तो मैं बड़ा हैरान मुझे अभी भी नहीं चमका था क्या हुआ तो मैं बड़े हैरान किसको प्रणाम कर रहे हैं मैं सीढ़ी पे देखूँ आगे बागे देखूँ तो मैंने क्या लगता कि नारद मुनि तो नहीं आ गए <laughs> किनको परिणाम किया इन्होंने क्या हुआ महाराज गाटअप hmm. पोस्टर तब मुझे पता चला पोस्टर भी लगा हुआ है, you know, है। तुलसी महारानी का वो भी नहीं कि राधा रानी हो तुलसी महारानी तुलसी महारानी के रूप में नहीं है पौधे के रूप में है प्लीज अंडरस्टैंड हा लेट मी बी वेरी क्लियर गियर तुलसी महारानी का पौधा था वो उसका चित्र ये नहीं की तुलसी महारानी का जो स्वरूप वो हो उसको देखकर इतने वृद्ध व्यक्ति को इस प्रकार से प्रणाम करना तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की चेतना और भाव होगा सो दैट्स यू नो ऐसे अनेक अनेक यू फॉर दैट बट दैट्स अ पॉइंट अबाउट ही लॉलियम एक्सेसिव हीस ग्रीड जहा ऐसे भक्तों को भक्त और भगवान के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता अब अगला आइटम आता है रिसाइटिंग नोटेबल प्रेयर्स आ, इस विषय में शिला प्रभुपाद जी हम थोड़ा चाहें तो पढ़ भी सकते हैं संस्कृत में यही है कि कुछ प्रार्थनाएं प्रमुख प्रमुख प्रार्थनाएं जो हमें याद होनी चाहिए उससे हमारा भाव डेवलप होता है जैसे माता कुंती की प्रार्थनाएं एटलीस्ट स्त्रियों को तो एटलीस्ट इफ नॉट दो बिकॉज you can really identify with mother kunti and take it as a role model we should we should consider that meditating on those prayers So, uh, jinki bhi bhi chinta hoti hai ki so hai hai, you can see what mother kunti went through first thing similarly then we have vratrasur very very special prayers we have gajendra we have many many prayers like this Dhruva maharaj uh, you know uh, but Vratrasur prayers are special Dhruva Maharaj offered prayer being touched by the Kanch of the Lord and then he glorified the Lord But among all Vruta Suprayas I love the most because He is actually Expressing his emotions for the Lord You know and to whom he is expressing He is telling Indra And Indra is thinking I You look like बात तो शुद्ध भक्त जैसी कर एंड वेरी ब्यूटीफुल थ्री प्रेयर्स कम्स दैट ऑफर्स सो दैट्स अ पॉइंट रिसाइटिंग नोटेबल प्रेयर्स सो ऑफ कोर्स भगवद गीता के श्लोक याद किए जा सकते हैं परम ब्रह्मा परम धामा जो अर्जुन कहते हैं इत्यादि है। भीष्म स्तुति याद करी जा सकती है इत्यादि इत्यादि बहुत सारे uh, ऐसे विषय हैं कभी भविष्य में जस्ट टू डेज बिफोर आई वॉज थिंकिंग ऑन द सब्जेक्ट आई वॉज जस्ट कॉन्टरप्रेटिंग ऑन वन पर्टिकुलर वर्स तो आई वॉज थिंकिंग भविष्य में हम एक प्रोग्राम करेंगे जहाँ पर भविष्य मतलब क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं दर इज नो स्केड्यूल अवेलेबल सो जब स्केड्यूल अवेलेबल होगा सो एंड प्लस ऑल ऑफ अस एव रीच टू सेटन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तब जाके विल डू अ वन डेडिकेटेड प्रोग्राम ओनली ऑन द प्रेयर्स एंड श्रीमद भागवतन क्योंकि सबसे ज्यादा अगर व्यक्ति को कठिनाई होती है प्रेयर्स पढ़ने में होती है कहते हैं ही विषय बार बार रिपीट कर रहे हैं भगवान कितने महान है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ इत्यादि इत्यादि बट देयर सम लॉट ऑफ ब्यूटिफुल टू इट सो एंड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसाइटिंग नोटेबल प्रेयर्स अगला विषय आता है प्रसादम की महिमा तो वी कैन स्किप इट बाई डिफॉल्ट तो उसकी महिमा तो हम सब बाय डिफॉल्ट ही समझते हैं अगर कोई तिरुपति मंदिर गया है अपना इस्कॉन तिरुपति मंदिर वहाँ पे आई डोंट रिमेंबर आई डेंट है फोटो बट वहाँ पे कोटेशन लगी हुई है पद्म पुराण या पता नहीं कहीं से तो लिखा हुआ है कि अगर कोई भी प्रसादन का एक भी अन बर्बाद करता है या जितने अन बर्बाद करते हो उतने जन्म नरक में लेने पड़ता है शिला प्रभुपाज वॉज ट्रैवलिंग इन अ फ्लाइट तो जब प्रभुपात ट्रैवल करा करते थे उनका प्रसादम प्रिपेयर करके लाया जाता था सो so, प्रोपाजी जी ने प्रसादम लिया अब उनके संग कुछ एक दो तो नए भक्त भी थे नए भक्त इन जो वो नॉट फ्रीक्वेंट ट्रेवल तो जो भक्त थे वो, you know, model, imitate. Imitate, does, right? right तो एक भक्त था जिसने प्रभुपात जी का लंच बॉक्स पकड़ा हुआ था प्रभुपाद जी का लंच हो चुका है प्रसादम लंच डिनर वॉज इट हो चुका है एंड तो देखने लगा, अच्छा, ओहो, प्रसादम करने के बाद हमें दांत साफ करना चाहिए तो वो उसकी टिप्पणी थी इंटरप्रिटेशन तो जब वो प्रसादम ग्रहण करता है ना उसके बाद टूथपिक नहीं था उसके बाद क्या था टूथपेस्ट एंड टूथ ब्रशिला <laughs> प्रोपात के अगली सीट पे बैठा हुआ है वो टूथपेस्ट और टूथब्रश निकालता है वहां बैठे बैठे टूथपेस्ट निकाल के टूथब्रश पे लगाता है उठाकर मुंह के सामने लेके आ रहा था प्रभुपात से रुका नहीं गया ये क्या कर रहे हो तुम बोला <laughs> शिला प्रभुपात मैंने अभी आप ही को देखा कि प्रसादम ग्रहण करने के बाद दंतमंजन किया जाता है बोले प्रभु मैंने कौन सा दंतमंजन किया मैंने तो एंड ऑफकोर्स आई नॉट गुड इट वेरी सिंपल प्रोपाइट सी

तो जैसे यू you नो know, एक कल्चर uh, होता है कि कुल्ला करते हैं एंड वी स्पिट इट आउट वी शुड नॉट डू इट इसलिए फ्रेश पानी लीजिए रिंस इट एंड टेक इट इनसाइड वो प्रसादम है आप सोचिए प्रसादम को कचरे में फेंक रहे हैं एंड वेयर यू नो एवरी वन इज गो एंड वॉश दैट्स एंड पॉइंट ऑल राइट दैस वर्ट ऑन सब्जेक्ट ऑफ पार्ट टेकिंग ऑफ प्रसादम एक कोटेशन दी हुई है पढ़िए प्रसादम के ऊपर जो कोटेशन दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है इसमें यस yes, माता जी आई सी योर हैंड आई एम कमिंग हाँ साकी स्मृति माता जी विल जस्ट रीड दिस एंड आई टेक योर क्वेश्चन और आपको कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं इफ दैट्स योर रीजन गो हैड अच्छा अच्छा माताजी, पढ़िए पढ़िए हाँ पढ़िए पुराण में विशेष उल्लेख है जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के सामने से कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है चरणामृत वह जल है जो भगवान के चरणों चरण कमल पर अर्पित किया जाता है और जिसमें तुलसी जी के पौधे के बीज मिले रहते हैं उसे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो दस हजार यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं हरे कृष्णामृत पानी हाँ चरणामृत वहा बड़ा है उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है माता जी गिव यू समरी चरणामृत आपको सभी पता है प्रतिदिन मंदिर में जब भगवान की सेवा करी जाती है उनको जब नहाया जाता है तो उससे ये चरणामृत बनता है उसके अंदर दूध इत्यादि डालकर उस प्रकाश से सर्व किया जाता है शिला प्रुपा जी एक मंदिर में थे तो वहाँ पे विग्रह की सेवा सुबह सुबह की बात है विग्रह की सेवा हुई चरणामृत बाहर आया जब बाहर आया प्रपा जी को करीबन आधा ग्लास चरनामृत दिया गया और प्रभुपा जी ने चखा तो प्रोपा जी को बड़ा अच्छा लगा एंड प्रोपा जी होल थिंग एंड आफ्टर ड्रिंकिंग द होल थिंग प्रोपा साइड दिस इज द मोस्ट डिलीशियस चरनामृत आप सोचिए अगर आप इस स्थिति में प्रभुपात के आसपास खड़े हो सोचिए अगर आप इस स्थिति में हो आपको चरनामृत बहुत अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे एक और ग्लास तो जो माता जी प्रभु जी के माता जी जो प्रपात के साइड में समय खड़ी थी तो शी वॉज रेडी कि प्रोपात कहेंगे दूसरा ग्लास दो आई सर्व एंड देन शी से प्रोपात जस्ट वॉकड अवे नॉट इज इट मीन एक्चुअली शी गि आई एम जस्ट रिपीटिंग वॉट शी सेज शी सैड प्रोपात लव द चरनामृत बट ही ड्रैक चरणामृत इन द मूड ऑफ सर्विस नॉट इन द मूड ऑफ एंजॉइंग चरनामृत ज अटल पॉइंट बट इज अ वेरी डीप पॉइंट प्रोपाद ने कहा कि दिस इज द मोस्ट डिलीशियस चनामित एंड नाइसली प्रिपेयर लव बट प्रोपर टुक इट एंड कैप्टेड एंड वॉक अवे तो अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ प्रसादों के संदर्भ में तो एज क्रिएटिंग बैकग्राउंड लिटल बेटर तो कई बार सुनने को आता है प्रभु जी क्या करें हम प्रोग्राम में गए थे तो हमारे होस्ट ने बड़ी सी प्लेट बना के दे दी हम मना नहीं कर पाए और उसका पल क्या हुआ अगले दिन का मॉर्निंग प्रोग्राम टूट गया यू ईट प्रोग्राम तो आप कैसे थे देखिए प्रभु जी भक्ति रसा में सिंधु की क्लास अटेंड कर रहे थे आप ही कह रहे थे प्रसादम भगवान है अब भगवान आपके पास आए तो भगवान को मना नहीं करना चाहिए एंड दैट इज़ अ नियम जो उड़ीसा जगन्नाथपुरी के नियम को जानते हैं जगन्नाथ जी का अगर प्रसाद आता है तो आपने दंत मंजन किया हो ना कराओ किसी भी अवस्था में हो उसको तुरंत अपना लेना चाहिए जब अपनाने की बात कही जाती है ना तो थोड़ा से अपनाने की बात करी जाती है मतलब ये नहीं खा लो यू नो सो वट इट मींस वी टेक अ लिटिल जस्ट टू ऑनर इट क्योंकि भगवान आया फिर बाद में ग्रहण करें सर्वभम भट्टाचार्य चैतन्य महापो के संदर्भ में पासने आता है तो ऐसा नहीं है कि हम प्रसादों को ग्रहण करने से मना नहीं कर सकते वी कैन वेरी मच से दैट अगर वही प्रसादम आपके ग्रहण करने से आपकी भक्ति में परेशानी तो फायदा ही क्या उस प्रसादों को ग्रहण करने से और जो ग्रहण करना आप भगवान को प्रसादों को सेवा के रूप में ग्रहण करना है तो आप थोड़ा सा ले सकते हैं ना तो परंतु जैसे मैंने चेत प्रपात का उदाहरण दिया कि शिला प्रपात टू इट बट बिकॉज उनकी सेवा भाव थी भोग का भाव नहीं था तो शिला प्रपात में पता था कि मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा डिलीशियस था सो हरे कृष्ण तो आप समझ रहे हैं ना क्या चर्चा हो रही है तो इस पर सतर्कता रखनी चाहिए हरे कृष्ण पर जब तक सही बताऊ फ्रेंकली स्पीकिंग विद माई लिटिल एक्सपीरियंस इन डिवोशनल लाइफ ये चीज तब तक प्रैक्टिकल नहीं आएगी जब तक हमारे अंदर सेवा भाव एक्चुअली डेवलप नहीं होगा स्पीकिंग ये थियोरटिकल सब्जेक्ट नहीं है हम सुन के चले जाएंगे कुछ दिनों बाद वैसे भी हमारी जो क्षमता है रिटेंशन की बहुत ही सीमित है कुछ समय के बाद भूल जाते हैं पर इस चीज को जीवन में पालन करने के लिए तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति के अंदर सेवा भाव पैदा हुआ होल मेक सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट to able to make progress let me make it in english is easy then i'll translate it in hindi to make progress in krishna consciousness it is very important to have a higher taste to have a reciprocation from the chanting of the holy names from the service of the lord etc etc and all that higher taste and reciprocation will only come can only come or will only come when we have cultivated service attitude otherwise it is not possible not possible and not possible okay somebody said they missed it i'll just repeat it again and i'll give you an example for it मैं इसलिए थोड़ा आराम से यह समय बिता रहा हूँ क्योंकि ये जो चौसठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर इसको एक कोर्स के अनुसार कर दिया खत्म तो हो जाएगा पर आप कैसे जीवन में उतारना है वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे सो आई मेरा पॉइंट ये शिला प्रुपात का ही वचन है इज नॉट समथिंग आई एम स्पीकिंग बट दिस इज प्रोपात राइट वन ऑफ द प्लेस आई एम जस्ट रिपीटिंग इट एंड आई आई फैक्चुअली एग्री विद दिस एंड आई गिव यू वन एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू मेक अ प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस द प्रोग्रेस इज ऑनलीके मुझे हिंदी में कहना है ना अभी हिंदी में कहते हैं राइट right. ये स्टक क्या कह रहे हो सब ये हरी बोल स्टक हो गया है तो मुझे बोलो ना मैं उन्हीं के लिए तो रिपीट कर रहा हूं हरे कृष्णा इज इट ऑटेबल ओके आई कैन सी द मूवमेंट इज गेटिंग स्टक हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओके सो सो मूमेंट्स यू कैन हियर इट नाउ मैं हिंदी में कहने का प्रयत्न करूंगा अगर आपको भक्ति के मार्ग में प्रगति करनी है प्रगति तभी हो सकती है प्रगति तभी कर सकते हैं जब हमें भगवान से रेसिप्रोकेशन प्राप्त हो अदरवाइज हायर टेस्ट है ना हायर एक्सपीरियंस अदरवाइज आज के समाज में जहाँ इतना डिस्ट्रैक्शन है हर पल पल पे डिस्ट्रैक्शन है हमारी इंद्रियों को खींचने के लिए इतने सारे साधन बने हुए हैं जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा क्या टिक सकता है व्यक्ति एम्पॉसिबल अब ये हायर टेस्ट या भगवान से रेसिप्रोकेशन कब आता है शिला प्रभुपा जी के वचन है तभी आता है जब व्यक्ति सेवा भाव सेवा वृत्ति को पैदा कर पाए जब तक व्यक्ति के अंदर सेवावृत्ति नहीं पैदा होती सेवा भाव नहीं आएगा तब तक वो रेसिप लोकेशन प्लीज अंडरस्टैंड हम इसलिए शुरुआत में हमने एक विषय में बात करी थी मुक्ति वर्सेस भक्ति भक्ति मतलब दासानु दास मुक्ति वाला जो माघ है मतलब बॉस बॉसानु बास, बास। इससे शिला के एक आई गेस अध्याय के प्रपट में कहते हैं कृष्णा कांशियस ट्रेनिंग इज लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन वी शुड फॉलो वॉट इज मिलिट्री ट्रेनिंग यस सर जैसा बोला वैसा करो प्लीज डोंट टेक इट ब्लाइंडली वॉट इट मीन्स इज वेन यू एक्सेप्ट अ गुरु देन यू फॉलो देन यू डोंट डू इट हमें पहले पालन करना फॉलो करना सीखना पड़ेगा तभी जाके फॉलोअर बनेंगे फॉलोअर का मतलब ही कि जब फॉलो नहीं करा आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है मैं चार नियम का पालन कर लूंगा माला नाजक का पालन कर लूंगा बाकी दिन अपने हिसाब से जीऊंगा दैट नॉट द मीनिंग ऑफ इट एट ऑल ऑल राइट सो so, सेवा भाव ये थोड़े उदाहरण थे तो जब तक सेवा वृत्ति नहीं आएगी तब तक हमारे व्यवहार में हमारी चेतना में बदलाव नहीं आएगा हम फिर भी प्रसाद को एक प्रकार से भोग का ही साधन देखेंगे अ पॉइंट ये देन द नेक्स्ट पॉइंट स्मेलिंग द इंसेंस एंड फ्लावर्स ऑफर टू द डीटीज ये इंद्रियों को शुद्ध करता है जैसे हमारी पांच इंद्रियां हैं आंखों को शुद्धिकरण होता है भगवान के भगवान के दर्शन लेकर कानों का शुद्धिकरण होता है श्रवण कथा श्रवण करके शरीर टच का शुद्धिकरण होता है भगवान के मंदिर को साफ करके जिह्वा का शुद्धिकरण होता है प्रसादम ग्रहण करके भगवान का नाम जप करके और सुनने की सॉरी सूंघने की क्षमता द नोज द सेंस कॉल एज नोज गैश प्यूरीफाइड बाय स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफर टू द लॉर्ड इसलिए आपने देखा होगा नसीमा ऑयल जब ऑफर करा जाता है तो आके भक्तों को लगाया जाता है अब कोर्स कोविड टाइम में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस के कारण बंद हो बट दैट्स अ कल्चर दैट्स अ पॉइंट और उससे व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है अच्छे संस्कार बनते हैं दैट इज अ पॉइंट और इसमें कुछ खूबसूरत बात प्रभुपात कहते हैं मैं कुछ पढ़ता हूँ यहाँ पर इस पैराग्राफ पहले पैराग्राफ के एंड में लिखा है लेटी गिव यू समी ऑफ इट दैन विल टेकट तो इसकी आवश्यकता क्या है प्रभुपाद यहां पर हरिभक्ति सुधो दिया है रूपा गोस्वामी के द्वारा कोर्ट करा गया है वो बताते हैं जब व्यक्ति भगवान को ऑफर करे हुए इत्र को प्रसादन के सबसे पहली चीज अगेन आई गेस आई स्टिल नोट इज इन अवर कम्युनिटी ऑल्सो डूट इज स्टिल नॉट अंडरस्ट दिस पॉइंट सो लेट मी मेक दिस क्लियर आउट एंड इज़ देयर कृपा करके अगर आपके घर में कोई आते हैं और आप गार्लैंड ऑफर करना चाहते हैं जो गार्लेंड है वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है कृपा करके कभी भी किसी भी को बिना भगवान को अर्पण करे हुए वो फूलमाला नहीं पहनानी चाहिए वट वॉज दैट ओके कभी नहीं करनी चाहिए प्रसाद के रूप में ही अर्पण होना चाहिए ऑल राइट right. तो ऐसा नहीं कि मार्केट से लाए और लाकर भक्त को दे दिया नो इट शुड ऑलवेज बी फर्स्ट ऑफर टू द लॉर्ड और भगवान को अर्पण करने के लिए आप भगवान के सामने रख के घंटी बजा के उनका प्रणाम मंत्र करके दैट इज ऑल्सो सफिशियंट अगर समय काम है अदरवाइज मंदिर में क्या होता है मंदिर में जब आते हैं मंदिर में भगवान को चढ़ाई हुई जो माला होती है जब रात को माला उतारी जाती है उसको फ्रिज में उठा के रखा जाता है या समय के अनुसार जैसा वातावरण उसके अनुसार ढंग से रखा जाता है अगले दिन जब डेली भागवतम क्लास होती है तो वो माला भक्त को चढ़ाई जाती है ओके okay, कई बार होता है जब कोई किसी के कोई ऐसे भक्त होते हैं जिनसे जो बहुत प्रभावित हैं इच्छुक है जिनके प्रिय हैं तो उनके लिए वो स्वयं अपने हाथों से माला बनाना चाहते हैं जैसे किसी के गुरु आए हैं मंदिर में तो कई बार भक्तों की इच्छा होती है कि मेरे हाथों से बनी हुई माला गुरु को अपनाए तो भी वो आप पहले घर में भगवान को अर्पण करके ही लाते हैं दैट इज़ अ पॉइंट आई जस्ट वॉन्ट मेक दैट तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जैसे ही व्यक्ति भगवान को अर्पण करे हुए इत्र को स्मेल करता है तो उसके मन से जितना भी भौतिक कंटेमिनेशन अशुद्धि जो भी होती है वो नष्ट हो जाती है कैसे जैसे आ, जिसको सांप ने काटा है तो कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं जब उस आयुर्वेदिक हर्ब मेडिसिन को आप स्मेल करते हैं तो सांप के काटे हुए जो विष होता है उससे आप मुक्त हो जाते हैं उस प्रकार उदाहरण दिया गया है द सेम एग्जाम्पल इज एप्लीकेबल वेन अ पर्सन कम्स टू विजिट द टेम्पल एंड द इंसेंस ऑफर टू द डी टी इज क्योर्ड एट दैट टाइम फ्रॉम ऑल हिज मेटल लेट मी आंस दिस क्वेश्चन आपने देखा होगा जब भी प्रवक्ता व्यास आसन पर बैठते हैं तो उनको uh, फूल माला अर्पण करी जाती है इज आर अ कल्चरल एस्पेक्ट और देर इज अ स्परिचुअल एस्पेक्ट इट। आप समझ रहे ना क्या ये सांस्कृतिक प्रथा है या इसके पीछे कोई अध्यात्मक कारण है जहां हम जब कोई भगवान के विषय में चर्चा करते हैं तो हम उनको फूल माला अर्पण करते हैं So ओके okay, spiritual एस्पेक्ट ग्रेट Anyone would like लाइक टू गिव a रीजन वाई वाई डू बी ऑफ फ्लावर फ्लावर गार्लेंड कई बार तो आपने देखा होगा ऑनलाइन बैठे हुए भी प्रवक्ता गार्लेंट पहन के बैठते हैं तो कोई जो ना समझ व्यक्ति सोच सकता है देखो कैसा है अपने आप ही गार्लेंट पहन के बैठ गया है यू नो भाई ऑनलाइन क्लास चल रही है फिर भी इसको फूल माला से इतनी आ सकती है किसी और ने नहीं तो खुद ही पहन के बैठ गया you know? अलग अलग ख्याल आ सकते हैं बट वॉट इज द रीजन एक्चुअली यस मदर माइक प्लीज हाँ तो व्यास गद्दी जैसा होता है उसमें जब कोई बैठ गया है वहां पर तो उनके मुख से जो निकलेगा मतलब वो, उस तो पे। की माला चढ़ाने का मतलब क्या है तो वो ऑनर उस लेवल पे देना होता है नो इट्स नॉट ओनली सब्जेक्ट ऑफ ऑनर इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑनर ओके लेट मी आस्क मोर फंडामेंटल क्वेश्चन बिग डिस्क्रिपेंसी इन अंडरस्टैंडिंग हम दूसरे वैष्णव को देखकर जब प्रणाम करते हैं तो प्रणाम का मतलब क्या है I I don't know if I really discuss this technical thing, thing but let me ask. not the right thing again. ना? अरे आपने किसी सामने वैष्णव को देखा और आप वो आपसे वरिष्ठ हैं और आप उनको प्रणाम करते हैं तो उसका मतलब क्या है ठीक है मद पूनम लेस हि from you. क्या मतलब है आशीर्वाद पाना प्रभु तो जी भगवान का गार्डन मीन भगवान का आशीर्वाद है नो 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 मेरा अभी प्रश्न है प्रणाम करने के बारे में वेलकम टू गार्लेंड थिंग जब हम भक्तों को देखे प्रणाम करते हैं यू you नो know, क्या कहते हैं नर नत नट मस्तक नट नत मस्तक यू नो वी बोय आवर हेड ऑन द ग्राउंड तो क्यों ओके okay, सुनील मेहता माता जी सुपर रेडी प्लीज गो हेड गिव द आंसर

हमारी इतना डिसअसोसिएटेड कॉन्शियसनेस है ना तो हमें समझ नहीं आता हमारा हर चीज़ में अहंकार आ जाता है इसलिए कहा गया समझ आए ना आए बेटर टू फॉलो एटलीस्ट थोड़ा तो फायदा होगा क्या मतलब है प्रणाम करने का पर्टिकुलरली वरिष्ठों को हम उस वरिष्ठ भक्त के माध्यम से उस भक्त के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं तो आप कह सकते प्रभु जी उसको क्यों प्रणाम करना मैं शीशे में देके अपने आप को प्रणाम ना कर लू <laughs> मेरे हृदय में भी तो परमात्मा बैठी है <laughs> तो ऐसा उसकी परमात्मा क्या स्पेशल है नाउ द सेकंड पॉइंट माताजी माता जी मेंशन लेट मी मेंशन हियर क्योंकि उस भक्त का उनका साक्षात्कार मेरे से काफी अधिक है तो मींस ही इज क्वाइट कॉन्शियस ऑफ परमात्मा तो इसलिए अगर मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करूंगा क्योंकि वहां पर now, soul, ना सुपर सोल इज देयर विद बट बिकॉज वी डोंट लिसन टू द सुपर सोल ना सो इज लाइक नॉन एग्जिस्टिंग गेटिंग अ पॉइंट पर अब मैं जो उनको प्रणाम करूंगा तो उस प्रणाम के माध्यम से एक्चुअली मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूं तो जैसे माता जी ने कहा आशीर्वाद प्राप्त होगा तो आशीर्वाद प्राप्त होगा और दूसरा कल्चरल एस्पेक्ट तो दिस इज अ स्परिचुअल एस्पेक्ट एंड दूसरा है सांस्कृतिक जिसके बारे में हमने पिछले सत्र में चर्चा करी थी विस्तार से ये वैष्णव सदाचार है एक शिष्य को अपने टीचर को प्रणाम करना ये सदाचार है अदरवाइज शिष्य होने का मतलब ही नहीं जब ये सदाचार पैदा ना हो सके यू नो ऐसे वैष्णव समाज में तो यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी इस प्रकार से प्रणाम किया जाता है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये दिखाया था जब युधिष्ठ के पास जाते थे तो प्रणाम करते थे झुककर अर्जुन को गले लगाते थे और जब नकुल और सहदेव की बात आती थी तो उनसे परिणाम प्रणाम नॉट परिणाम प्रणाम, प्रणाम स्वीकार किया जाता तो संबंध के अनुसार हमें संस्कृति का पालन करना चाहिए तो अब गालन के ऊपर आते हैं हार क्यों पहनाया जाता है हार जब प्रवक्ता या प्रवक्ता हो या कोई गेस्ट आते हैं वरिष्ठ घर पे आते हैं तब भी गालेंड दिया जाता है बट लेट्स फोकस ऑन एट लीस्ट वन ओकेजन इज देयर जहां हम गार्लैंड ऑफर करते हैं जब प्रवक्ता जब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में कथा करने वाले हैं क्या उद्देश्य है शुभम प्रभु गो अहेड हरे कृष्णा बड़े दनय प्रणाम तो जी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो ये है कि जो भगवान का प्रसाद है हम उनको ऑफर करते हैं जो भी सीनियर वैष्णव रहते हैं उनको तो हम जो माला देते हैं आपने बताया कि वो भगवान को पहले ऑफर करना चाहिए तो उनको हम प्रसाद के रूप में देते हैं वो ओके व्हाट एल्स प्रजी व्हिच एस्पेक्ट स्पिरिचुअल और नो 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 इसका आगे का मत लगे यू आर करेक्ट जस्ट हैव टू मेक वन मोर पॉइंट ठीक है निरंजन प्रूव मेक एन अटेम्प्ट करेक्शन जैसा आपने बताया कि जिस प्रकार से वो अगर किसी को सांप काटता है तो एक कोई जड़ी बूटी होती है उसको सूंघने से उसका असर खत्म हो जाता है उसी प्रकार से जब भगवान का जो अर्पित जो फूल है उसको बार-बार जैसे बार-बार तो हम देखते भी हैं कि वो जो व्यास आसन पे बैठे होते हैं उसको सूंघते हैं तो सूंघने से ओके गुड पॉइंट ऑलराइट गॉट द पॉइंट तो बाय चांस क्लास देते-देते कहीं बहुत ही चेतना हो जाए तो दोबारा से स्पिरिचुअल चेतना हो जाए तो इसे सूखते रहते हैं आराइट सो गुड गुड अटेम्प्ट करेक्ट टू सम एक्सटेंड फाइन सादिया विलासनी जी यस अनम्यूट योरसेल्फ हरे कृष्णा आराइट कैमरा इज नॉट ऑनर आई डोट नो साध से समिंग आंसर क्या है ऑल ऑफ यू आर क्वाइट करेक्ट शिव प्रू वॉज ऑलमोस्ट ऑन दिविंग दैट आंसर जैसे शौनक आदि ऋषि श्रीमदभागवत में आपने देखा होगा सुत गोस्वामी को व्यास गद्दी पर बिठाते हैं वहां वर्णन नहीं आया कि उनको फूलमाला अर्पण किया गया है बट मस्ट भी इवन इफ नॉट मतलब क्या है जैसे शुभम भ्रु सिंह भगवान का प्रसाद यू you नो know, जब एक एस्पेक्ट है कल्चरल एस्पेक्ट जब कोई घर पे आता है तो यू you नो know, कोई वरिष्ठ आता है तो उनको भगवान के प्रसाद से उनका स्वागत किया जाता है दूसरा भगवान के प्रसाद गालेंड प्रसाद का मतलब क्या है भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो सके ताकि वो हमारा सही रूप से मार्गदर्शन कर सके प्लीज अंडरस्टैंड लेट्स ब्रिंग मायावाद टेंडेंसी हियर वट टेंडेंसी मैं सब कुछ हूँ मुझे कृपा की आवश्यकता ही नहीं है तो सामने बैठा हुआ भी श्रोत्रा जो है वो समझता है जानता है भगवान की कृपा समझनी दिख भी रही है भगवान की कृपा गले में पड़ी हुई है भगवान की कृपा के माध्यम से ही वो प्रवक्ता भगवान के विषय में चर्चा करे सो पॉइंट इज एवरी थिंग इज कनेक्टेड टू लॉड सो ये जो गालन ऑफर करने का मतलब क्या है भगवान का प्रसाद देना ताकि भगवान की कृपा मिले और भगवान की कृपा से वो हम पर अपनी रियलाइजेशन के माध्यम से हमारा uh, मार्गदर्शन कर पाए इज मेकिंग सेंस सो देर इज अ स्परिचुअल एस्पेक्ट ऑल्सो एंड दर इज अ कल्चरल एस्पेक्ट ऑल्सो ऑफ अ हॉस्पिटैलिटी फाइन आई हैव इंटेंशनली नॉट गिवन अ ब्रेक टूडे बिकॉज आई एम गोना एंड क्लास एट फाइव ओ क्लॉक आई हैव सम थिंग्स टू अटेंड टू तो इसलिए मैंने सोचा एक बारी में ही विषय कर लेते हैं ये बात थी स्मेलिंग द इंसेंस एंड फ्लावर ऑफर हाँ तो अब अगले पैराग्राफ से पढ़ते हैं तो यहाँ बात करी गई है प्लीज कोई भक्त पढ़िए इसी स्मेलिंग द इंसेंस एंड फ्लावर्स ऑफर टू द रीडी आपने देखा होगा कई बार जब आ, कोई आ, प्रोग्राम्स होते हैं टेंपल में या हम जो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं लेट्स टॉक अबाउट संस्कृति अगेन तो जनरली क्या होता है कि कुछ लोग गेस्ट रिसेप्शन के लिए खड़े होते हैं भगवान को अर्पित किया हुआ चंद्रमित या जो भी वो होता है ना जल वो यफ इंसेंस लगाते हैं उस प्रकार से स्वागत किया जाता है तो उस विषय में प्रभुपाद बात करते हैं कि कभी भी भक्त मंदिर आए या घर पे आए तो सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है भगवान का प्रसाद वो पुष्प प्रसाद हो सकता है अन्न प्रसाद हो सकता है किसी भी प्रसाद से उसकी सेवा करनी चाहिए सो मैत्री रानी माता जी प्लीज रीड

ओ ओके ओके सॉरी 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 या आई मीन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है मैंने आपको दूसरा पॉइंट बोला था यहाँ बात करी गई है जब आप मंदिर जाएं सॉरी यहाँ दूसरा विषय भी चर्चा हो रहा है जब आप मंदिर जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए दिस इज अ पॉइंट बिंग डिस्कस हियर मैं हॉस्पिटैलिटी और गेस्ट रिसेप्शन में था तो मैं उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया तो यहाँ चर्चा की गई जब आप मंदिर जाएँ भगवान के दर्शन के लिए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए आपने देखा होगा कितने लोगों ने देखा है जब भगवान की आरती प्लेट आती है आई हैव सीन इट मैनी टाइम्स मंगल आती जब पीरियड आती है ना तो लोग कुछ दक्षिणा डालते हैं एंड आई है मंगल आती सम्रीजन कम्स ना ना समी माई थिंक या हफ्ते में एक बार डाल दिया महीने में एक बार डाल दिया बट आईव सीन समीपल टू डे एवरी डे ये एक ट्रेनिंग हुई है कल्चर ट्रेनिंग तो भगवान के मंदिर में आप सोचिए आप किसी गेस्ट से मिलने जा रहे हैं आप अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं क्या खाली आ जाएंगे इतना तो कल्चर अभी भी बना हुआ है ना तो जब भगवान के घर जा रहे हैं तो वी शुड नेवर गो एम दैट इज अ पॉइंट प्लीज रीड आउट शुड ऑलवेज ऑफर समथिंग शुड ऑलवेज ऑफर इसलिए मंदिरों में अगर देखेंगे तो क्या होता है बाहर मंदिर के बाहर एक आरती प्लेट मिलती है अगर कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम आरती प्लेट लेके आरती तो ऑफर कर दो नहीं ये प्रथा इस प्रकार से भगवान के पास जाएंगे तो कुछ तो सेवा करो और यही कारण है आप कुछ पांडव को देखें टॉक अबाउट जगन्नाथ मंदिर तो कई बार वहाँ मंदिर में जाओ दर्शन के लिए तो पांडव लोग काफी वो कहते हैं कि दक्षिणा दो दक्षिणा दो क्योंकि आज समय ऐसा हो गया व्यक्ति की उससे सेवा भाव ही खत्म हो गई वो कुछ सेवा ही नहीं करना चाहता वो सिर्फ भगवान से मांगना चाहता है तो इसलिए वो डंडी लेकर स्टिक लेकर खड़े रहते हैं सेवा करो सेवा करो दक्षिणा डालो एक उद्देश्य वो है कि व्यक्ति भगवान के मंदिर आए कुछ तो सेवा करे और अदरवाइज कई टेम्पलों के बाहर आरती प्लेट लगी रहती है आप आती लीजिए भगवान को आती ऑफर करिए उसमें एक आध फ्रूट रहेगा देखा है ना ये दैट इज द पर्पज बिहाइंड इट प्लीज रीड इट नाउ भारत में यह प्रचलन है कि प्रातः काल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिला है अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्चा विग्रह के दर्शन करने जाए तो बेट उपहार या चढ़ावा लिए बिना न जाए यह हो सकती है या अनबोल भी हो सकती है यहाँ तक कि एक फूल छोटा सा फल थोड़ा जल जो भी संभव हो अर्पित करना चाहिए अतएव प्रातः काल जब कोई वक्त अर्चा विग्रह पर बेट चढ़ाने में आता है तो उसे अगुरु की सुगंध सूगने को अवश्य मिलेगी इससे इस जगत के सारे विषयले प्रभाव तुरंत दूर हो जाएंगे में कहा गया है कि यदि मंदिर के अर्चा विग्रह को बेट की गई माला की सुगंध किसी के में प्रवेश करती है तो पाप कर्मों का बंधन तुरंत दूर हो जाता है यदि वह कोई पाप कर्म नहीं भी किए रहता तो भी ऐसे फूलों की सुगंध से वह मायावादी से भक्त बन सकता है इसके कई उदाहरण प्राप्त है जिन में प्रमुख चार कुमारों का उदाहरण है वे निर्विशेषवादी मायावादी थे किंतु मंदिर में बचे फूलों तथा अगुरु की सुगंध सूंघने से वे भक्त बन गए इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी न्यूनअधिक कलुषित होते हैं वे शुद्ध नहीं होते इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवत दशरथ दशरथ माताजी या उत्वाकी वही एक okay. और कोटेशन दे रखा है तो यहां पर चार कुमारों का उदाहरण आता है जब वैकुंठ जाते हैं तो जब विष्णु आते हैं तो विष्णु के दर्शन से नहीं विष्णु के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की खुशबू से उनके अंदर वह उनका जो ब्रह्मवादी थे उससे भक्त बन जाते हैं अगला विषय आता है विग्रह सेवा टचिंग द डीटी तो यहाँ बताया गया है विग्रह को छूना केवल इनिशिएटेड जो गुरु के द्वारा इनिशिएशन जिनको प्राप्त है वही उस प्रकार से विग्रह को छू सकते हैं तो प्रभुपाद यहाँ पर एक पॉलिटिकल इशू के बारे में चर्चा करते हैं और कहते हैं आ, कोई और भक्त पढ़ना चाहेंगे वहाँ यहाँ लिखा है इन इंडिया देर वॉज ग्रेट एजुटेशन यू नो जहाँ हरिजन विषय के बारे में अब चर्चा की गई है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है भाग लिया है तो कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं ओके निरंजन गो हैड भारत में गांधी जी ने राजनैतिक आंदोलन चलाया था क्योंकि निम्न जाति के लोग यथा भंगी तथा चांडालों को वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करना मना था उन्हें उनकी गंदी आदतों के कारण मना किया जाता था किंतु उसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी जिससे वे शुद्ध भक्तों की संगति करके भक्ति के उच्च पद को पा सके किसी भी कुल में जन्मे व्यक्ति को मनाही नहीं है किंतु उसे उसे स्वच्छ होना चाहिए शुद्धि की विधि अपनानी होगी गांधी जी उन पर हरिजन हरिजन मतलब भगवान के पुत्र उन्हें झूठी मुहर लगाकर उन्हें शुद्ध शुद करना चाहते थे इसलिए मंदिर के स्वामियों तथा तो गांधी के अनुयायियों में काफी चली तो हरिजन के विषय में चर्चा तो हुई है और यही बता रहे हैं मतलब क्या है उनको इसलिए अलाव नहीं होता था क्योंकि वो स्वच्छ नहीं रहते थे, थे उनके व्यवहार में और वेशभूषा में तो आपने देखा होगा कई मंदिरों में पुराने मंदिरों में प्रथा है मंदिर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करने से पहले वहां पानी होता है टैप उस टैप का उद्देश्य क्या होता है अपने हाथ पैरों को धोने के बाद अंदर जाए स्वच्छ अवस्था में तो प्रभाव बताते हैं जब मंदिर जाने के लिए इतनी शुद्धता पे ध्यान दिया जाता है तो भगवान को छूने के लिए इसलिए दीक्षा का एक प्रिंसिपल है नियम है वो बनाया गया कि वही भगवान की सेवा कर सकते हैं। अब आखिरी दो विषय सींग द डीटी प्रीति माता जी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं आपने हाथ उठाया था Uh, में, में, प्रशंसा में एक कथन आता है भक्त कहता है वसुंधरा जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहा गोविंद देव के अर्चा विग्रह का दर्शन करता है वह यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्ग लोग में प्रवेश कर सकता है इसका अर्थ ये हुआ कि एक समान व्यक्ति भी यदि वश निंदा बन जाता है और देव योग से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन करता है तो उसे वैकुंठ लोक ना सही किंतु स्वर्ग लोक तो मिल ही जाता है इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद के अर्चा विग्रह का दर्शन करने मात्र से वह पवित्र जीवन का लाभ पा सकता है इसलिए शिला जब वृंदावन में थे तो बड़े ही उत्सुक थे कृष्णा डॉल और गौनीता डॉल पता है आपको पास टाइम प्रभुपात का इच्छा था कि पूरे विश्व में कई लोगों को बड़ा शौक होता है डॉल्स खरीदने का यू नो सम प्रकार के गिफ्ट्स जो होते हैं डॉल्स जैसे तो प्रभुपात की इच्छा थी कि हम उस प्रकार से गौरता या कृष्ण बलराम के डॉस बना के ना एंड इंस्ट्रक्टेड ऑल्सो आई डोट नो समी स्टार्टेड वन ऑफ बना प्रोपर्टी स्टार्टेड बिजनेस आई डोट नो वॉटन उसका मुझे पूरा विस्तार से तो नहीं पता आ, पर प्रपात की इच्छा थी कि सबके घर में ये होना चाहिए क्यों एटलीस्ट उनको देख के तो कुछ भक्ति जागृत होगी कुछ शुद्धिकरण होगा एंड दैट इज अ पॉइंट और भगवान के दर्शन लेना तो यहाँ पर एक पॉइंट आई जस्ट वुड लाइक टू मेक ऑल ऑफ यू बी ऑलरेडी फैमिली विद डेट इसलिए अगर आपके ऊपर अगर आपके पास आ, आपका इच्छा बनता है कि ये अब हम भी अपने घर में एक ऑल्टर बांधेंगे विग्रह तो नहीं लेकर आ सकते परंतु कम से कम हम भगवान के चित्र को रखेंगे सो से ये सुन नो ओके इन दैट वे तो आप जो भगवान के चित्र लाकर जिसको भोग अर्पण करना चाहते हैं उसमें आपके पास दो ऑप्शन है एक पेंटर के द्वारा पेंटिंग जो मार्केट में बहुत मिलती हैं खूबसूरत पेंटिंग्स होती हैं और दूसरा इस्कॉन मंदिर में पूजे जाने वाले विग्रह का फोटोग्राफ राइट तो आप में से कितने लोग हैं हो सकता है जो पेंटिंग करी हो बहुत ही अद्भुत हो खूबसूरत हो तो कितने लोग हैं कि आप पेंटिंग को प्रिफर करेंगे और कितने लोग फोटोग्राफ को अभी इसका जवाब मुझे कैसे समझाएगा मुझे नहीं समझा मतलब हाउ विल यू गिव एन आंसर सो दो ऑफ यू हु आर ऑन चैट कैन टाइप इन कि आप पेंटिंग uh, प्रेफर करेंगे या भगवान की फोटोग्राफ और यहां पे जो लाइव ऑडियंस है आई लास्क रेज यू हैंड कितने भक्त हैं कहते हैं कि हम पेंटिंग प्रेफर करेंगे हाउ मेनी many... भगवान ला रहे हो ना ऑल राइट right. फोटोग्राफ ओके मतलब प्रश्न पूछेगा ओके सो लेट्स सी यहां पे ऑनलाइन क्या बात कर रहे हैं अरे आई डोंट हैव पेंटिंग का मतलब क्या है प्रश्न पूछा गया है जवाब दो पेंटिंग लाओगे फोटोग्राफ लाओगे बात थोड़ा कह रहा हूं आपके घर पे क्या रखा है अभी हाँ तो सब जहाँ तक है सही है तो पता है भगवान की फोटो क्यों क्योंकि उनकी पूजा हो रही है वो साक्षात उस रूप में विराजमान है पेंटिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट दैट और उस पेंटिंग में वो पेंटिंग किसने करी है किस सोच से करी है तो वो भी बहुत फर्क पड़ता है दैट्स अ पॉइंट तो अगर हम घर में अगर हम विग्रह भी नहीं है तो अगर घर में केवल भगवान के विग्रह की फोटो ला के रखते हैं ना उसके दर्शन लेते हैं तो वही सेम इफेक्ट पड़ेगा दैट अ ऑफ माइंड मॉडल मेक नाउ लास्ट आइटम ऑफ दिस चैप्टर ऑब्जर्विंग आरती एंड सेलिब्रेशन ऑफ द लॉर्ड ऑब्जर्विंग आरती मतलब कोई कह सकता है प्रभु जी मेरा दीक्षा नहीं हो रहा तो मैं कैसे भक्ति में आगे प्रगति करूंगा अगर ये बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा करना तो जो व्यक्ति भगवान की आरती करते हुए देखते हैं उसको भी उतना ही उस प्रकार का फल मिलता है जो ब्राह्मण आरती कर रहा होता है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट यहाँ पर है सेलिब्रेशन ऑफ द लॉर्ड शिला प्रभुपात जब ये अर्चना शब्द का उपयोग करते हैं प्रहलाद महाराज उस पपट में विस्तार से बात करते हैं कि गृहस्थों की ये ड्यूटी है कि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं भगवान के मनाने चाहिए पर्टिकुलरली अगर आपके पास विग्रह हैं पर्टिकुलरली अगर आपके पास विग्रह हैं तो वो उनके जो प्रमुख फेस्टिवल है लेसे किसी के पास यू नो you know, गौरताय का है तो गौर पूर्णिमा नित्यानंद त्रयोदशी किसी का शिश्री राधा कृष्ण तो राधा अष्टमी कृष्णा जन्माष्टमी ऐसे त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहिए दैट इज अ पॉइंट हियर व्हिच इज मैंशन प्लीज रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ और यहाँ बताया गया कि कोई आरती करते हुए देखता है तो वो अपने हर एक प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है दूसरा पैराग्राफ मदर प्रीति यू आर रीडिंग इट गो हेड आरती तथा उत्सवों को देखना स्कंद पुराण में माता जी अच्छा उसका दूसरा पैराग्राफ उसका नेक्स्ट पैराग्राफ जैसा कि पहले बताया जा चुका है विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं यथा कृष्ण जन्म दिवस राम जन्म दिवस किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म दिवस भगवान की झूलन यात्रा तथा दोल यात्रा मार्च के मास में भगवान की लीलाएं इन सारे उत्सवों में भगवान को रथ पर बिठाकर रथ को शहर की सड़कों से होकर ले जाया जाता है जिससे लोग भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सके भविष्य पुराणों में कहा गया है यदि ऐसे उत्तम में चंपाल भी चाहे उत्सुकता वश ही हो रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है तो उसकी गिनती विष्णु के संज्ञों में की जाती है पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति आनंदमंग होकर मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा देखता है उसे पंचरात्र में वर क्रिया योग का फल प्राप्त होगा क्रिया योग साधन भक्ति जैसी पद्धति है किंतु यह विशेष रूप से योगियों के लिए है दूसरे शब्दों में इस धीमी विधि से योगी भी अनंतः भगवत भक्ति को प्राप्त होते हैं हरे कृष्णा तो आज के सत्र को भी हम समाप्त करते हैं संक्षेप में आज हमने क्या-क्या चर्चा करी स्वाप्रतम हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार से ये जो विषय चल रहा है उसका क्या कनेक्शन है क्या फ्लो है तो दूसरे अध्याय में साधना भक्ति की बात की गई है वैधि साधना भक्ति एंड रागानुगा भक्ति उसकी परिभाषा की चर्चा करी साधना भक्ति तीन प्रकार की जो प्रूपात परिभाषा देते हैं तो उसमें तीसरी पॉइंट में कहते हैं कि गुरु हमेशा सोचता रहता है कि कैसे भक्त को भगवान की सेवा में लगाया जाए स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मतव्य न जात उचित या ये न तेना प्रकार है ना मना कृष्ण निवेश है तो उस प्रकार से उनका यू नो मन हमेशा चिंतन में रहता है कैसे तो उस प्रकार से ये चौसठ नियम दिए गए हैं जिससे हम आ, भगवान को सेवा कर सकते हैं और भगवान के ऊपर मनन और चिंतन कर सकते हैं साथ ही साथ हमने तीसरे अध्याय से आ, चर्चा करी थी कि कैसे तीन प्रमुख चीज़ों की चर्चा की गई है भक्ति में आने के लिए भक्त की कृपा भक्ति में प्रगति करने के लिए श्रद्धा एंड भक्ति ज्ञान और शुद्ध भक्ति करने के लिए क्या त्यागना है भक्ति एंड मुक्ति मुक्ति और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ कौन है भक्ति का मतलब दास अनुदास मुक्ति का मतलब बॉस अनुबास तो तब उस संदर्भ में उस समय नहीं शायद मैंने बाद में कहा था कि शिला प्रभुपात कहते हैं जिस व्यक्ति को भक्ति के मार्ग में प्रगति करनी है उसको आ, भगवान से रेसिप्रोकेशन यू नो भक्ति में उस आनंद को एहसास उसको होना चाहिए और वो आनंद तभी मिलेगा जब उस व्यक्ति के अंदर सेवा वृत्ति भाव और सेवा वृत्ति भाव पैदा करने के लिए हमने चर्चा करी थी इसलिए अ गुड फॉलोअर इज अ गुड लीडर प्लीज अंडरस्टैंड अ गुड फॉलोअर इज अ गुड लीडर हमारी ट्रेनिंग उस प्रकार से होना बहुत आवश्यक है जो फॉलो करना या पालन करना नहीं सीख सकता तो वो किसी का मार्गदर्शन क्या कर सकता है दूसरी चीज हमने चर्चा करी थी इसी विषय पे कि हम जीवन पे पल पल पर निर्णय लेते हैं तो आप लोग जब अपने जीवन में निर्णय लेते हैं उस समय आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है राइट right? हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारे भौतिक एक्सपीरियंसिस हैं या हमारा रेफरेंस पॉइंट शास्त्र में दिया हुआ ज्ञान या भक्तों के समाज में जो हमने सीखा है सो so, जितना हमारा भौतिक एक्सपीरियंस हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा हमारे निर्णय लेने के लिए तो ऐसा व्यक्ति नहीं तो अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं दूसरे का तो मार्गदर्शन आप भूल ही जाइए तो इसलिए शास्त्र अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है और शास्त्र अध्ययन भक्ति शास्त्र का जो परम नियम है वो है वी आर हियर टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट और सेवा के लिए हमें किसी भक्त के यू से सानिध्य में सेवा करना सीखना चाहिए उसी प्रकार हमें हमारे अंदर ये वृत्ति भाव जागृत हो सकता है और उसके बाद फिर चौसठ नियमों में ये दस नियम क्या करने चाहिए गुरु की शरण अगले दस नियम क्या छोड़ना चाहिए क्या त्यागना चाहिए और उसके बाद इक्कीसवें आइटम से अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उसका हमने पहले जो वर्णन किया था उसके आगे से हमने चर्चा करी अर्चना विग्रह के बारे में बात करी भगवान की सेवा जपा कीर्तन संकीर्तन के बारे में चर्चा हुई उसके बाद प्रार्थनाओं के बारे में प्रसादम ग्रहण करते समय और कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस इन इत्यादि विषयों के ऊपर चर्चा हुई सो so इस विषय को आगे जारी रखेंगे मेरा उद्देश्य आज था कि मैं नौवां चैप्टर भी खत्म कर दूं। दू बुड नॉट स्टार्ट सॉरी चैप्टर आई वॉन्ट चैप्टर बट वी विल डू इट नेक्स्ट वीक वेन वी मीट फाइन हरे कृष्णा किसी का कोई प्रश्न कोई टिप्पणी और हरे कृष्ण प्रभु जी, माइक दिया जाए। जी आ, आपने जिसे बताया कि प्रो, प्रोपाद को एक चरणामुत ग्लास मिला था और वो सेवा के रूप में देखे थे तो हम भी कैसे देख सकते हैं वो हम अगर चरणामुत ले रहे हैं तो और सेवा किसको जा रहा है किस इन सेवा हाँ। तो सेवा हो रहा है। जो सेवा किसको हो रहा रहा है है किसको अगर मैं ले रहे हैं तो तो सेवा इसको, से तो इसको ग्रहण करता हूँ अधिक ग्रहण करता हूँ तो मेरे शरीर को हानि पहुंच सकती जिसके कारण मेरी भक्ति सेवा में परेशानी होगी तो इस प्रकार से तीसरी चीज शिला प्रध ने कहा तो हम नियम की बात कर रहे थे परशिला शिला ने कहा कि भक्ति के शुरुआत के दिनों में जितना पीना है पियो जितना खाना है खाओ कोई बात नहीं वही भोगावृत्ति धीरे धीरे सेवावृत्ति में बदल जाएगी क्योंकि ये आ, हमारे मन को शुद्ध करता है तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भक्त समाज के सामने आकर इंद्रियों पे फोर्सफुली रिस्ट्रेन करें नो नो ऑल दो आई लव केक बट नहीं छोटा सा दीजिए सेवावृत्ति फिर घर जाके मन लगे अरे खाया नहीं मन में अभी भी लालसा बनी हुई है और फिर पता लगे वो कहीं से कुछ ऑर्डर ऑर्डर करके या मन में वो चिंतन चल रहा है तो फायदा नहीं है तो अपनी स्थिति कहना उसके मैंने उस समय क्या चाह कहता है मेरा डिस्कले में ये हमें आर्टिफिशली फॉलो नहीं करना है जब व्यक्ति के अंदर वो सेवा वृत्ति का भाव अपने आप आएगा ना तो व्यक्ति अपने आप उस प्रकार से कर्म करेगा तो इसके लिए मैं ये नहीं मैं इस माध्यम से ये नहीं कह रहा कि कल से आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए मैं आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहा था कि सेवा वृत्ति जब व्यक्ति के अंदर चेतना सेवा वृत्ति की होती है तो उसका व्यवहार कैसा होता है वो हर पल ये सोचता है जैसे कि एक उदाहरण यू मे फाइंड इैनेटिकल्सो नॉट फैनेटिक प्रोपाद इवन प्रोपर से प्रोपाद राइट्स इन वन प्लेस जो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन आ जाते हैं देर ऑल्सो सेंस ग्रटिफायर एक्चुअल सर्विस टू द लॉर्डेस्ट टू गो एंड शेयर द ग्लोरीज ऑफ वृंदावन वाई शिला प्रभ नॉ सो वृंदावन इज अ सर्वश्रेष्ठ प्लेस इज अस्ट प्लेस अब, अब प्रुपात ने विश्वभर में मंदिर क्यों बांधे कहीं ऐसा कोई वचन आता है शिला प्रुपा जी के द्वारा जो कहते हैं कि अब जब आप भक्त बन जाओ तो सब कुछ छोड़ छा के वृंदावन आ जाओ एनी वेयर क्या ये भी कहा हो कि जब आप रिटायर हो जाओ बच्चों की शादी वादी हो जाए तो फिर वृंदावन आ जाओ कभी नहीं कहा प्रुपा ने कहा वृंदावन क्या है आपका मंदिर जिस मंदिर के संग आप सेवा कर रहे हो सेवा करिए, there's a difference. Again, this is a little subtle point. तो लोग बोल सकते हैं अरे भैया मंदिर वृंदावन में ही जाके तो भगवान का नाम जब करेंगे तो ये विषय आ जाता है आपका एकांत की भक्ति जिसको कहा जाता है, what is that term? Um, no, 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 not that. We are quoting a छोटी स्मृति पुराणा. No, 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 no. I'm not quoting a श्लोका there. एकांतक का, एकांत का भ ना you know, मैं तो अपनी भक्ति करूंगा तो भजनानंदी हो सकता है एक सौ अट्ठानवे माला दो सौ माला करता हो प्रभा हाँ प्रपात ने कहा घोष्णानंदी घोषणानंदी जो प्रचार करता है भगवान के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब स्मरण की बात आएगी ना तो कई प्रकार के स्मरण होते हैं लीला स्मरण रूप स्मरण नाम स्मरण और चौथा स्मरण होता है सेवा स्मरण दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट तो कहीं नहीं लिखा है कि दिन भर लीला स्मरण करो नाम स्मरण करो या रूप स्मरण करो सेवा स्मरण भी बहुत आवश्यक है हमारी अवस्था में तो सेवा स्मरण अधिक होना चाहिए इसलिए हर व्यक्ति को मैं कई बार कह चुका हमारे कम्युनिटी मैंने कहा है हर व्यक्ति के पास आप लोग को पूछना चाहिए ऐसी मैं क्या सेवा कर रहा हूं जिसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल एवरी वन इन द कम्युनिटी शुड सम सर्विस जो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिल क्योंकि जिस जब सेवा के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तब सेवा आती है सेवावृत्ति कैसे आएगी देर ना जैसे मैं अपना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ तो जो मुझे पहली एक सेवा मिली थी ऑफकोर्स द पहली तो आई मीन वन ऑफ द इनिशियल सेवा दर आई गॉट बैक इन अमेरिका वॉज प्रभुपात की ड्रेसिंग फाइन प्रोपर ड्रेसिंग एवरी संडे यूज टू वी टू डू इट उसके बाद जो हमारी एक प्रभु जी माता जी थे वो कुछ समय के लिए कोलम्बस से बाहर गए थे जो हर हफ्ते तो वहाँ क्या होता था हफ्ते टू हफ्ते ड्रेस चेंज होती थी कि भक्त कम थे तो वो फ्लावर्स लेकर आते थे पूरे हफ्ते भर के लिए अब उस सेवा के लिए कम से कम चार पाँच घंटे लगते थे तो अब कोई था नहीं तो पूछा गया तो मैंने कमाई मैं मैं कर लेता हूँ फाइन यू नो है वीक वीकेंड मंडे टू फ्राइडे जॉब हुआ करता था दिस इज आफ्टर माई स्टडीज आई टेल यू वेन आई वेंट फॉर देट सेवा ना मैं गालन नहीं बनाता था मैं भगवान का श्रृंगार नहीं करता था तो उस समय तो मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी सिर्फ मैं भगवान के लिए फ्लावर लेकर आता था एक दो हफ्ते में चेतना में इतना प्रभाव पड़ा कि कहीं पे भी अगर मैं फ्लावर देखता था तो मैं ये सोचता था अरे इस फ्लावर का अगर गार्लेंड बनाकर भगवान को दिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा सी, इतना प्रभाव पड़ गया मैंने तो भगवान के लिए गार्लेंड बना के भगवान को पहनाया भी नहीं केवल मैं फूल मार्केट से चयन करके भगवान के लिए लेकर आया जस्ट वन सर्विस एंड ड्रेसिंग फॉर प्रोपर वॉज अ स्पेशल थिंग आई वे आई मीन आई डेवलप्ड अ स्ट्रांग सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद हिम तीन चार साल मैंने प्रतिदिन यू नो आई नेवर नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट तो एंड आई टूक इट एज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी हो जाए कहीं पे भी होता था आई वुड बी देयर ऑन संडे मॉर्निंग टू डेस्ट प्रोपर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई एक सेवा होनी चाहिए जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं तब सेवा वृत्ति भाव आएगा ना कि मैं सेवा के मूड से करना चाहता हूँ ऑफकोर्स उसमें भी अहंकार आ सकता है कि देखिए मुझसे अच्छी सेवा कोई नहीं करता वो दाल डिफरेंट थिंग पर जब सेवा ही नहीं है आप पर कोई सेवा आप ऐसी निर्धारित रूप से सेवा कर ही नहीं रहे कम्युनिटी के प्रति आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी मैं तो घर में सेवा करता हूँ कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी मेरी सेवा क्या है मैं घर में प्रसादम बनाता हूँ That's okay. वो तो आपको करना ही पड़ेगा दैट्सेशन आप भक्ति कैसे करोगे पर जब सेवा की बात आती है सेवा मीज सेवा फॉर कम्युनिटी तो ऐसी एक सेवा होनी चाहिए कम से कम और आप बड़े ही भाग्यशाली अनेक सेवाएं आपके पास आती तो? तो वी आई सर्व सो एंड्रेस मे आई वोशन आई वॉज एंग्री एट समय सॉर कम्युनिटी डाउन तो आश वाई आर यू एंग्री आई बिकॉज दिस इज वॉट इट इज आई देर इज़ नो पर्पज ऑफ मी बींगयर इफ माई प्रेजेंस यर डो नॉट हेल्प यू बिकम मोर और हेल्प यू कल्टिवेट सेवा सर्विस एटीट्यूड मैं यहाँ पे आके इसको पेम्पर करने के लिए थोड़ा आया हूँ यहाँ पर कोई हम समाज अग्रवाल परिवार थोड़ा बांधने आए यहाँ पे या कोई बनिया परिवार खोलने थोड़ा आया हो यहाँ पर वी आई फर सीरियस पर्पज और होने के बाद भी अगर आपके अंदर सेवा वृत्ति की जगह आपके अंदर भोग प्रवृत्ति बौसानु प्रवृत्ति आ रही है आई एम आउट ऑफ द पिक्चर है। मेरे फिर आवश्यकता ही क्या है सो इट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वो तभी आती है जब हम समझे हम भक्ति क्यों कर रहे हैं भक्ति में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं said, we have, we सेवा और सेवावृत्ति का मतलब ये नहीं कि अरे सॉरी सेवा मैं ही करूँगा किसी और को भी सेवा करनी चाहिए बर्डन ये तो वही बात होगी ना ऑफिस में जाके व्यक्ति अपने मैनेजर को कहता है सारा काम मुझे क्यों कह रहा है किसी और को भी तो गेटिंग पेड फॉर इट हाँ आपकी क्षमता नहीं है तो आप बात कर सकते हैं कि देखिए प्रभु जी ये मेरी स्थिति है आप बताइए आपको क्या आप बताइए मुझे क्या करना दिस इज एटीट्यूड वे यू गो एंड आस्क इफ यू टेल मी टू डू एल डू इट दैट इज सेवा भाव बट दिस इज माई सिचुएशन अगर आपको लगता है कि मेरे प्रगति के लिए आवश्यक है तो मैं करूंगा अगर लगता है नहीं है तो आप बताइए क्या करना चाहिए बट आप जो कहेंगे दैट्स एन एटीट्यूड दैट्स अ सेवा भाव पर अपने आप ही बैठे बैठे निर्णय ले लेना हम करेंगे नहीं करेंगे वेरी रॉन्ग एटीट्यूड और ये शुरुआत की हालत है दस साल बाद तो आप सिर बैठेंगे फिर फैक्ट सबसे ज्यादा ये जो ये अभिमान इत्यादि जो चीजें है ना दीक्षा लेने के बाद आती है अब व्यक्ति को लगता है वो तो एक स्वतंत्र बर्ड हो गया चिड़िया हो गया है अब तो किसी की आवश्यकता है नहीं जाए मेरा तो परंपरा के संगलिंग बन गया बट यू डोंट अंडरस्टैंड इनिशिएशन इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ इनिशिएशन इज द बिगनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ अभी तो आपको असतर्कता से इन गेमों का पालन करना चाहिए यू कैनॉट मेक एक्सक्यूजेज यू कैनॉट थिंक नाउ आई डोट नीड एनीथिंग आई हेव गॉट माई गुरु गुरु वेर गॉड ऑनली नोज वेर माई गुरु इज बिकॉज आई डोंट एम अबाउट इट एंड आई एम गोट न लिव माई लाइफ एज आई वॉन्ट टू लिव इट मूड ऑफ भक्ति इज सैट अ भक्ति इन इट सेल्फ वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट केयरफुल इसलिए मैंने पिछले सत्र में वैष्णव सदाचार के बारे में काफी विस्तार से चर्चा करी एंड वाई एम आई स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस यू अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे गलतियां करके कब तक गलतियाँ करेंगे भक्ति में इतने साल होने के बाद भी तो थोड़ा पता चलना चाहिए ना व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एटलीस्ट हमें पढ़ नहीं सकते उतना समय नहीं तो ध्यान तो सुने तो सही एंड वी शुड बिंग अ चेंज दैट अ पॉइंट अबाउट ऑल राइट मदर साधे विलासनी विल टेक यू लास्ट क्वेश्चन बिकॉज आई रियली हैव टू गो नाउ प्लीज़ गो हैड अन योर सेल्फ हरे कृष्ण जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सेवा वृत्ति आपने बोला कि हमको करनी चाहिए सेवा बट ये सेवा का जो हमारे अंदर है वो हम उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं हम जो गुरु हमको जो चीजें बताते हैं वो देते हैं हम उसको फॉलो करने में ही अपना पूरा लाइफ लगाते हैं बट सेवा जो एक मेन चीज है प्रायोरिटी है हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो कॉन्शियसनेस हम नहीं डेवलप कर पाते हैं या हमारी कॉन्शियसनेस रहती है कि हमें जो सूट कर रहा है हमारा या जिसमें हमारा टेस्ट है या जहाँ हमारे डिवोटी फ्रेंड्स हैं हम वहीं पे ही सेवा करें मतलब इस तरह का कहीं ना कहीं कुछ उसमें भी हम अपना वो ढूंढते हैं वो चीज और मुझे जो लगता है कि सेवा हमको वो करनी चाहिए जहाँ से हमारी भक्ति जो है प्रोग्रेस करे ना कि वो कि जो चीज हम ऑलरेडी पर वो आपको बताएगा कौन कि किससे आपकी भक्ति प्रोग्रेस करेगी हाँ जी सो द पॉइंट इज सेवा का मतलब नहीं गुरु का मतलब क्या है कितने लोग आप गुरु से बात कर रहे हैं ये हर चीज में हम गुरु, गुरु ले आते गुरु हैं पर हाउ मेनी टॉकिंग टू यस करेक्ट सो सेवा का मतलब होता है विच इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर लार्जर पार्ट ऑफ टोटली डिस्कनेक्टेड उनका मंदिर के संग संबंध नहीं है मंदिर के संग संबंध भी है तो दे Totally खोट तो हमारी मानसिकता में आया ना तो प्रथम चीज सेवा का मतलब क्या होता है सेवा वो होती है जो आपको निर्देश दिया गया है करने के लिए सेवा वो नहीं होती जो मैंने मन आया उठा लिया दॉ सेवाइन अब शुरू शुरू में भक्त है कोई बात नहीं कुछ तो करना चाहिए तो ठीक है पूछ लेते हैं आप क्या करना चाहोगे ये करना है करो नो प्रॉब्लम बट एक्चुअल मीनिंग ऑफ सर्विस इज वॉट इज बींग टोल्ड टू अस वी डू इट अगर आपको इस विषय के बारे में ढंग से जानना है तो कृपा करके प्रभुपात की ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी और प्रभुपात के बारे में जो किताबें लिखी गई उनको पढ़िए तो आपको पता चलेगा प्रभुपात और तो प्रभुपात के बीच शिष्यों के बीच का संबंध कैसा था प्रभुपात को उनके गुरु ने निर्देश दिया जाओ विदेश में जा प्रचार करो उनके जीवन का वो मूल बन गया था और क्योंकि वो प्रभुपाद ने उस इंस्ट्रक्शन को इतनी दृढ़ता से पालन करा इसलिए वो लोगों को इंस्पायर कर पाए विश्वभर में जहाँ उनको वो सेवा से लगा पाए पहली चीज़ दूसरी चीज़ सेवा प्रैक्टिकल रूप में देखे जाए तो वहीं कर सकते हैं जहाँ हम किसी कम्युनिटी से कनेक्टेड हों जहाँ में एक फैमिली फीलिंग आए ये लगे कि मेरा परिवार है जैसे आपने कहा यह स्वाभाविक सी बात है जैसे अपने परिवार की बात आती है अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति चाहे कितनी लेट ना क्यों ना आए पर आपसे कहे कि मुझे आप प्रसाद बना के दीजिए खाना बना के दीजिए आप करेंगे नहीं करेंगे yes no? पर कोई पड़ोसी आके बोले तो बोलेगा भाई ठीक है अभी नहीं कर सकते बस सुबह देख सकते हैं या सुबह की है रोटी आप ले जाइए गर्म करके खा लीजिए गेटिंग पॉइंट जहां अफेक्शन है वहां सेवा स्वाभाविक रूप से होती है तो वन थिंग विच इज मिसिंग आउट इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी फीलिंग सेंस ऑफ फैमिली अफेक्शन पर उसके संग एक और चीज होती है कई बार इतना फैमिलियल अफेक्शन हो जाता है जहां शिला पहले में कहते हैं ब्रीड्स हम इतने फैमिलियर हो जाते हैं इसलिए मैंने कई बार दोहरा चुका हूं कुछ भी हो वैष्णव सदाचार किसी भी कीमत में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने चाहिए क्योंकि जहां वैष्णव सदाचार व्यवहार में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं तो देन फेमिलियरिटी ओवरटेक्स जो कभी हमारे लिए कोई हो सकता है जिसने हमारा मार्गदर्शन किया हो हो सकता है आज मार्गदर्शन ना भी कर रहे हो सचिन पर योर म्यूट योर सेल्फ तो जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन करा हो सकता है आज मार्गदर्शन ना कर हो सकता है कोई ग्रह को, को प्रचार कर करके लाए हो तो वो आपके लिए हमेशा वरिष्ठ ही रहना पर आज आप भक्ति में प्रगति करके हो सकते हैं सोचने लगे कि भाई हम तो इक्वल के हो गए हैं नाउ द राइट दाइट बिकॉज हमारा मिलना जुलना इतना रहता है सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट वी हैव टू फॉलो यू नो सर्टन कल्चरल एस्पेक्ट वी हैव टू फॉलो एंड प्रैक्टिस इट तो जहाँ फैमिली जैसा अगर एक स्वभाव है या हमें एक्सपीरियंस है तो हम निश्चित रूप से सेवा करेंगे सेवा करने के लिए उत्सुक भी रहेंगे चाहे उसके लिए हमें थोड़ा सा इनकन्वीनियंस टॉलरेट करना पड़े पर जहाँ पर उस प्रकार की फीलिंग नहीं है या जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमिलियरिटी हो गई है दो चीज़ जहाँ पे हमें फैमिली जैसा कल्चर नहीं लगता या जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फेमिलियरिटी हो चुकी है दोनों ही जगह में सेवा भाव खत्म हो जाता है जहाँ ज़्यादा ही फैमिलियरिटी होगी तो वो लोग सोचने लगते हैं यार मैं क्यों करूँ यह भी तो कर सकते हैं मेरे को इतना घंटे लगता है इनको इतना घंटा लगता है इनको सरल सेवा दी गई मुझे मुश्किल से हो गया सो मैन कॉम्बिटेशन कॉम्बिनेशन गोज इन टू दैड सो दैट्स अ पॉइंट तो वैष्णव सदाचार साथ ही साथ इस चीज को याद रखिए ब्रिज फेमिलीटिंग कृपा करके अपने वरिष्ठों के संग डू नॉट ट्राई टू बिकम टू फैमिलियर आई रिपीट दैट गुड वाई वापू वाणी सेवा के ऊपर वाणी सेवा पे अधिक जोर दिया गया है वन ऑफ द रीजन इज वी कैनॉट डू वापू सेवा प्रॉपरली हम अपराध करेंगे अगर गुरु के संग रहने लगे ना वील बर्न अवर सेल्फ फैमिलियटिंटेम्प्ट हम गुरु को एक साधारण व्यक्ति समझ के उसके प्रति अपराध करने लगेंगे अगर आप शिला प्रभुपात के जीवन में भी देखें जिन जिन को वाणी सेवा का ही सबसे अधिक मौका मिला आज भी लगे हुए हैं मैं ये नहीं कह रहा सब बापू सेवा वाले पर जितने लोगों को वापू सेवा का मौका मिला था उनमें से ज्यादातर लोग नहीं है आज उन्होंने प्रभुपात के समय बहुत सेवा करी कुछ समय तक और सेवा करी प्रभुपात के बाद बट दे नॉट देयर तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा पे ध्यान देना और तत्व को समझना क्या यू नो व्हाट वॉट्स अ कॉन्सेप्ट उस प्रकार से हम अगर व्यवहार करते हैं तो कम परेशानी पड़ेगी कम संघर्ष करना पड़ेगा अदरवाइज चैलेंजेस वी हैव टू डील पर कुछ भी हो नाम जब करके आगे बढ़ते रहिए ऑल राइट फाइन ओके सो सिस्टर आई आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन सो हरे कृष्णा आप सभी का धन्यवाद आज सत्र में भाग लेने के लिए विल एन दिस फाइव ट्वेंटी नाउसॉर्म में जगद गुरु शील प्रभुपाद घी भक्ति रसाम सिंधु की हरे कृष्ण शील रूप गोस्वामी की